स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? यस 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 भूषण जी, ओके। और आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कि मतलब ये जो सेशन होता है लाइक इट इज एक से डेढ़ घंटे का ही सेशन रहता है हमेशा। सो जो लोग फर्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करते हैं प्लस फर्स्ट हैंड रेज करते हैं तो उसी हिसाब से डाउट सॉल्विंग की क्वेरीज ली जा सकती है। Yes. Right, हो सकता है जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं, लेट हैंड रेज करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि सबकी क्वेरीज ली जाए। करेक्ट करेक्ट। सबकी क्वेरीज यदि आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे इंडिविजुअली क्वेरीज लेनी चाहिए या मेरे सारे के सारे क्वेरीज का सोल्यूशन मुझे मिलना चाहिए इंस्टेंटली, सो फॉर देम देयर इज अ कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम लोगों का चलते रहता है, जो हम लोगों का कन्वेंशनल प्रोग्राम है, ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, जो अभी तक चलते आ रहा है, आगे भी चल रहा है। तो वहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे अभी देखिए 135 प्लस लोग हैं, यदि यहाँ पे 25 30 40 लोगों ने बोल दिया मेरी क्वेरी सॉल्व करो तो मतलब एटलीस्ट अराउंड 20-25 लोग की क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। कोई बोलेगा 40-50 लोगों की क्वेरी इम्पॉसिबल है, बट कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में वहाँ पे 10-15 लोग रहते हैं, पर्सनल अटेंशन रहता है और आपकी हर एक क्वेरीज को हम लोग वहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। राइट, तो प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक पूरा का पूरा मॉब होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू हर एक का मतलब स्टेट ऑफ माइंड एंड अदर चीजें समझ ली जाए, बट वहाँ पे लिमिटेड लोग होते हैं उसी हिसाब से वी विल मतलब टेक एवरीवन और सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व होती है। चलो चलो थैंक्स। सो इस बार हम फर्स्ट जो डाउट रहेगा वो चैट से ले लेते हो एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो फर्स्ट डाउट सैंडी जी का है कि Holded 36,300 call option for average price of 165, right? So and Monday को hold किया, right? तो 9th June का ही 165 मतलब यही है hold किया, मतलब आज ही उन्होंने buying किया या फिर ऊपर से buying किया और average 165 हुआ, तो it is around 104 and यहाँ पर जो है again इस तरीके के doubts होते हैं। आपने सबसे क्रूशल इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो की है रूल ब्रेक किया। व्हाट इज़ द रूल? मार्केट में आपने ऑप्शन बाय किया है व्हेन द मार्केट इज बिलो प्रीवियस डे वीवैप चला गया है, दैट इज़ द नंबर वन सिनेरियो कि आपने ऑप्शन बाइंग बिलो प्रीवियस डे वीवैप 50 ए में दोनों के नीचे है ऑप्शन कॉल ऑप्शन। ऊपर से जो बैंक निफ्टी आज का हम देखेंगे, राइट, तो जो है इट इज़ PDH ब्रेक जब उसने वहाँ पे किया कंटिन्यूसली वो एक डाउनवर्ड चैनल या उसको आप बोलो मूव हो रहा है, कहीं भी उसने आपको बाइंग एंट्री या बाइंग सेटअप या कोई अच्छा बाइंग वॉल्यूम कहीं भी नहीं आया है, राइट। सो अगर आपने जो भी सैंडी की बाइंग की है इट्स एक्चुअली कम्प्लीटली इलॉजिकल एंड मार्केट वहाँ पर ट्रैप करके आ रहा है गैप अप के बाद, उसके बाद कॉल ऑप्शंस बाय किया है एंड दैट टू जब वो PDL ब्रेक कर दिया है इतनी अच्छी, यू कैन सी दिस WRC इवन 5 मिनट्स में जो WRC है, राइट। सो उसके लिए आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आपने गलत ट्रेड मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट कॉल होल्ड किया, तो बायस के हिसाब से कॉल होल्ड किया जस्ट इन एंटिसिपेशन कि ये जो सपोर्ट है वो होल्ड करेगा, तो वो लक पे हो गया है क्योंकि आपने हेज भी अगर नहीं किया है देन इट इज़ लाइक वो ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं है, और जहाँ ट्रेड का लॉजिक नहीं है मतलब फिर जो एटलीस्ट हमने बनाया है सेशंस है उसका पर्पज़ ही डिफीट हो रहा है कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। इवन 5 मिनट्स में लोअर हाई उसने ब्रेक नहीं किया, एकेनाची में देख लो पूरे दिन 5 मिनट्स का कहीं भी लोअर हाई भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर जब 5 मिनट्स का हायर लो ब्रेक हुआ था उसके बाद मार्केट लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है कॉल ऑप्शन बाय करने को, बिकॉज अगेन एंड अगेन जो प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चर रीडिंग में हम लोग बोलते हैं कि आप मार्केट को नहीं चलाते हैं या हम लोग नहीं चलाते, उसके ट्रेंड के अगेंस्ट बायस बना के ट्रेड करोगे तो आप लूज ही करोगे, और अभी आप 165 एवरेज है मतलब डेफिनेटली इट इज़ मोर देन वन लॉट आई कैन अज्यूम, राइट, जो आपका जैसे क्वेरी आया है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ कम्प्लीटली रॉन्ग और आपका लॉस होगा, तो इट इज़ टोटली नॉट द फॉल्ट ऑफ द मार्केट बट फॉल्ट ऑफ यू बिकॉज गलत आपने ट्रेड लिया है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें तो। और स्ट्रक्चर रीडिंग यही सिखाता है कि लोअर हाई है उसके अगेंस्ट हमें जाना ही नहीं है, ऊपर से प्रीवियस डे वीवैप के नीचे बाय किया है जब इतना अच्छा सेलिंग है तो सेलर्स वहाँ पे डोमिनेंट है, दिख रहा है वॉल्यूम दिख रहा है आपको यहाँ पे कम्प्लीटली उसने जब ब्रेक किया 165 मतलब प्रीवियस डे वीवैप के नीचे बाइंग हुई है वो, ये इसके लो के अगेंस्ट
पीडीएल के अगेंस्ट, जो ऑप्शन का पीडीएल, तो वो बहुत इजीली ट्रैप कर सकता है और कॉल बायर्स को ट्रैप ही करते आ रहा है। यहाँ ऑप्शन भी करेंट डे ऑप्शन भी जो है कॉल ऑप्शन करेंट डे वीवैप के ऊपर नहीं है गया, वो एक कैंडल करेंट डे वीवैप के ऊपर नहीं गई है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता वहाँ पे आपको बाय करके। आप सेल किए रहते तो चलो ठीक है, दैट वुड हैव बीन एटलीस्ट अ बेटर ट्रेड राइट, जो कि उसने एक तरीके से यू कैन सी बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकडाउन किया। तो यार इतना बढ़िया सेल ट्रेड मिला है, बायर के पीछे क्यों जाना है वहाँ पे मेरे को वही मतलब, सो इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम रियली सॉरी, बट आपको मिस्टेक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो लॉस है वो आपकी गलती। ठीक, चलो मूविंग ऑन। सो डेल एंड अगली बार इको रूल है, प्लीज़ नाम से आइए, आपका कभी किसी का नाम डेल होता है, किसी का नंबर होता है, तो प्लीज़ वो रीनेम कर लीजिए, दिस टाइम आई अलाउ, तो प्लीज़ अपना नाम बताइए डेल एंड देन वी कैन स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जी बोलिए आपका। मैं कह रहा हूँ गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग बोलिए। सर मैं कह रहा था जैसे कि प्रॉपर बेस बिल्डिंग के बाद प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आपका अभी मतलब बैकग्राउंड कैसा है, आपके मार्केट में लॉसेस हुए हैं या फिर आप एकदम मतलब बिगनर हो या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू? चलिए बढ़िया, उसके बाद मेरे को लॉसेस नहीं हुए हैं, मैं जो पहले लॉस लेता था बड़े बड़े उसको मिनिमाइज कर दिया छोटे छोटे बिल्कुल, और तो मैं यही बस कि आज भी मैं बेस बिल्डिंग के लिए 11 बजे से तैयार हो गया था पूरा एंट्री। करेक्ट करेक्ट, और अच्छी एंट्री दी उसने, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे बस थोड़ी सी वोलेटिलिटी है पीडीएल के अगेंस्ट, पर उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया और उसके बाद वो अच्छा ठीक है। देखिए आप सिंपल चीज़ है, आपको मेन चीज़ कैसा है कि आपको पता है, जैसे अगर मार्केट ने बेस बिल्डिंग ब्रेक किया, आपको पता है सपोर्ट यही है मार्केट में, करेक्ट ये है सपोर्ट, इसके पहले कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है ना हमें आइडियली ये चार्ट पे, मतलब कल के हिसाब से अब ये इसने यहाँ पे गैप फिलिंग भी जो है कर दिया, अब गैप फिलिंग के बाद यही एक सपोर्ट है, यही से मार्केट उठा था, उसके बाद फिर डायरेक्ट पीडीएल है। ठीक है, ये दो लेवल्स है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो यही टारगेट है, इस टारगेट पे अगर मतलब आइडियली आपको होल्ड करना चाहिए, जब या तो वो 5 मिनट का लोअर हाई ब्रेक करेगा या तो टारगेट देगा, जैसे ही टारगेट दे दिया या तो कॉस्ट पर डाल दो, आपका ऐसे कॉस्ट पर डाल दिया तो वो कॉस्ट पर भी नहीं आया और आपको 3:15 को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दिया उसने। ठीक है, देखो अभी ये आज का मार्केट अगर देखो ना, आज का मार्केट देखो कैसे ट्रैप किया, अब मैक्सिमम लोग जो चार्ट्स करते हैं वो ट्रेंड लाइन वगैरह जो फॉलो करते हैं लोग, आपको देखो क्या समझनी चाहिए, देखो मार्केट ने क्या किया, अगर मैं एक सिंपल सा एक ये निकालता हूँ, आई गारंटी आज के मार्केट में अगर हम देखेंगे बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे बाई साइड ट्रैप हो गए होंगे आफ्टर दिस कैंडल। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको, हाँ बराबर हो गया, ओके आफ्टर दिस कैंडल। अब कैसा होता है कि व्हाट मेनी गाइस, ये मैंने चार्ट्स काफ़ी एक दो स्टूडेंट्स ने हमारे भी मिस्टेक किए है ना, बट वो चीज़ वही है कि आपको वहाँ पर वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर क्या, जैसे ये सपोर्ट से मार्केट यहाँ पर इस जोन के अराउंड स्पॉट पर शायद वो ट्रेंड लाइन प्रॉपर उसने फॉलो की है फ्यूचर से कंपैरेटिवली, हाँ ये इस टाइप की जो आपकी ट्रेंड लाइन। अब बहुत लोग कहाँ ट्रैप हुई है, इसके पास आके जब इसने यहाँ पे एंगल्फ किया ना, यहाँ पे बाइंग के लिए चले गए राइट, एंड देन वो उसको कैरी करके जो है करने के चले गए, एंड फिर देन मार्केट नीचे आया तो फिर वो समझ में नहीं आया, काफ़ी होल्ड किया तो फिर वो लॉसेज भी आपके बढ़ गए। अब सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर बेस बिल्डिंग हो रहा है, मार्केट गैप अप है, अब बहुत लोग ये थॉट प्रोसेस क्या रहेगा लोगों में राइट, जो हमें देखिए मार्केट में आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको जो बाकी लोगों का थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको वो अगर आपको रीड करते आ गया तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। अब देखिए ये जो जोन है, ये जोन एक तरीके से एक रेजिस्टेंस बना था, करेक्ट राइट, यस डेल जी आपका नाम मैंने, सॉरी क्या, तनिष्क, कनिष्क, ओके ओके ओके,
ठीक है, तो आपको देखो अब मार्केट देखो नीचे आ रहा है गैप अप होने के बाद, ठीक है, ये जो जोन है, अब जो लोग प्रेडिक्शन बेस्ड या एक व्यू बेस्ड करते कि ऐसा होगा जो प्रेडिक्शन करते, वो लोगों ने क्या इस तरीके से किया होगा, ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट एक्ट करेगा, करेक्ट, राइट। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल के लोग बाइंग में चले जाते, अरे ये देखो सपोर्ट से एंगल्फ किया, ग्रीन कैंडल बनी, चला गया मार्केट में, एक्चुअली वही चाहिए था। बट मेन हमारा ये क्या एज अ ट्रेडर, हमारा क्या कि यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है ना, कोई सेंस ही नहीं है ट्रेड करी, क्योंकि स्ट्रक्चर का पॉइंट क्या है, यहाँ कहीं बैठा हुआ है, मार्केट का है यहाँ कहीं है, वो एक तरीके से ना कोई ढंग का कुछ कर रहा है ना कोई कैंडल है, तो इसीलिए जो ट्रेंड लाइन बेस्ड जो सेटअप से हम वो सिखाते नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड आपको हमेशा बेटर करता है, ट्रेंड लाइन बेस्ड में आप ट्रैप हो जाते हो बहुत बार, है ना, कि अजम्पशन बना लेते। अब जो यहाँ पे है बहुत लोग ये जो बेस बिल्डिंग किया है, बहुत लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर्स डाल के बैठे कि कॉल बाय कर लो, कॉल काफ़ी गिर गए नीचे आ गए, कॉल बाइंग में फंस गए, एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये एक्चुअली एक तरीके से आपको है कि जो मैक्सिमम जनता यहाँ पे बाय लेग में बैठी है उसको यहाँ पे अब वो बुलिश हो जाते हैं, क्योंकि यूएस ग्लोबल मार्केट देखो ना सब 1.5% ऊपर बंद हुए ना, करेक्ट, राइट। कल के ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक किया ना आपने, कल ग्लोबल मार्केट्स कैसे बंद हुए, आज वो गिरे यहाँ पे, बट कल मॉर्निंग में अगर देखोगे तो 1-1.5% सब मतलब अराउंड थे या फ्लैटिश थे। अभी लास्ट सेकेंड अब जो यूएस मार्केट भी देखोगे आखिरी में अभी जस्ट 3 घंटे में, मतलब 4-5 घंटे हमारा मार्केट जब से ये सेल ऑफ आया है तब से गिरना चालू है, क्या क्लिक नहीं हो शायद। तो हमें देखो कभी भी ट्रेडिंग में आपको सिंपल है कि आपको ये चीज़ ये देखिए कब से गिरा है, 12:30 से, है ना, 12:30 तक ये यूएस मार्केट भी 12:30 से गिरा है ना आज के टाइम से, राइट। अभी बच रहे हमारे 9 बजे के रहो, तो हमारा इंडियन टाइम के हिसाब से ये चार्ट है, राइट। 12:30 से इसने भी देखो बेस बिल्डिंग अपना 15 मिनट में ब्रेक करके सेल ऑफ है। अब कंपेयर टू हमारा मार्केट देखो 12:30 मतलब यही उसी टाइम से हमारा मार्केट नीचे आया एग्जैक्टली, मतलब ओवरऑल सेल ऑफ हुआ है सारे मार्केट्स में। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो लोग जो भी बायर में, क्योंकि मार्केट सीधा इसके ऊपर खुला है 35,700 जो 2 दिन से उसको परेशान कर रहा था लेवल, तो बहुत लोग ऐसे मार्केट में ये सोचते हैं कि ये मार्केट अब सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा, ये रिटेल का थॉट प्रोसेस होता है। अगर उसको ऊपर जाना होता तो सिंपल चीज़ है यहाँ से वो ब्रेकआउट दे देता बिल्कुल, तो हम बाय करते ना कोई टेंशन नहीं है, फिर हम डेफिनेटली बाय करते, ये हमारे जो पीछे की ये रहता है ये टारगेट वन बन जाता क्योंकि पीछे वो रेजिस्टेंस है, फिर कोई टेंशन नहीं है, राइट। बट मार्केट वहाँ पे एक तरीके से बेस बिल्ड करने के बाद वॉल्यूम डिप होने के बाद ब्रेक डाउन दिया है, तो ये मतलब बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, क्योंकि एक तरीके से ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास घूम रहा है तो लोग बायस बना के जो बाय साइड फंसे वो ट्रैप हो गए, तो वो फास्ट गिरेगा, राइट। अगेन उसके पास स्पेस है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या स्पेस है, ये आपका टारगेट वन है और ये टारगेट टू है, तो कम से कम 35,650 से 450 के अराउंड, मतलब 200 अराउंड पॉइंट का आपके पास पूरा स्पेस है, जो कि बहुत अच्छा इतने स्लो मूविंग और इतने बेकार मार्केट जो लास्ट 2-3 दिन से बिल्कुल मूव नहीं और एकदम टाइम पास है, तो उसमें अगर 200-300 पॉइंट का स्पेस मिल रहा है मतलब बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। तो ये एक 200 पॉइंट्स का स्पेस है, बिल्कुल सेटअप के हिसाब से प्रॉपर दिया है, अच्छी WRC से ब्रेकडाउन दिया है, कोई उसमें डाउट नहीं है, विक भी नहीं है बड़ी, वो भी नहीं है डाउट, ऊपर से ये जो रेंज है देखो फ्यूचर आया था बट स्पॉट देखो, है ना, इसलिए दोनों को देखना पड़ता है कभी कभी, ये देखो इसको मैं अगर बेस बिल्डिंग ड्रॉ करूँगा, स्पॉट फ्यूचर ने थोड़ा सा ऐसे कैंडल बनाई है टाइम पास के लिए नाम के लिए, स्पॉट रेंज के अंदर आया नहीं, वो बस थोड़ा सा कभी कभी ऑर्डर्स वहाँ पे हो जाते हैं फ्यूचर में, इसलिए दोनों चार्ट आपको अगर कभी भी डाउट होता है तो दोनों चार्ट साइड बाय साइड आप ओपन कर सकते हो, राइट। और इसने एक सिंपल सा दिया और यहाँ पे जो है यू कैन सी दिस वाज द फर्स्ट टारगेट जो उसके आसपास आया, ठीक है, फिर PDL सेकंड और इसके नीचे सब बोनस, क्योंकि उसके नीचे मार्केट PDH के पास अगर हम सेल कर रहे हैं तो PDL जनरली इंट्राडे के लिए बिकम्स द फाइनल टारगेट, बिकॉज उसके बाद अगर दे रहा है मार्केट बहुत तो वो रेयरली गिरता है, वो तभी गिरेगा जब एकदम जनरली जब सारे ग्लोबल मार्केट भी गिर रहे हैं या फिर हर तरीके से एकदम बेयरिशनेस आ जाती है, नहीं तो यहाँ पे आके वो थोड़ा टाइम पास करता है और लास्ट पे फिर यह गिरता है। बट ये एक्स्ट्रा जो उसने PDL से 200 पॉइंट दिया है ये एक्चुअली बोनस है ट्रेड के लिए, राइट। बट एज इन फॉर अ कंजर्वेटिव इस जोन में ही टारगेट वन टारगेट ये जो जोन है उसमें उसका 70-80% भी आपने बुक कर लिया तो भी हो गया। अब रही बात होल्ड करने की,
फर्स्ट स्टेप आपका जो रहेगा, जो जो आपका लॉस कम हो गया है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग के 3-4 साल वही स्ट्रगल करते रहते हैं, राइट, कि लॉस होता है, बड़ा लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं करते, तो वो मतलब वही चक्की घूमती रहती है। अब होल्ड करने की जो बात है वो स्लोली आएगा। अब कैसा होता है कि एक तरीके से हमारा जो इमोशनल स्टेट होता है जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा फिर मेरा प्रॉफिट चले जाएगा, तो हम PNL अटैच हो जाते, तो वो डैट इज़ आपका वो स्लोली जाएगा। आपके लिए सिंपल चीज़ है कि जो भी आपको टारगेट्स दिख रहे हैं चार्ट पे, या टारगेट वन है जो भी, ये तो सिंपल टारगेट वन है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। जो आपको टारगेट वन दिख रहा है वहाँ तक मार्केट नहीं आएगा, तब तक आपको PNL देखना नहीं है, और तब तक आपको अननेसेसरीली जो है वो आपको फॉलो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा फियर है, तो अगर आपने पुट बाई किया होगा तो पुट सेल करके उसको डेबिट बना दो। उसमें क्या रहेगा कि आपका मेंटल सेट थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, या फिर अगर आपने 2 लॉट पुट बाई किया है तो 1 लॉट पुट सेल कर दो, जैसे भी आपको लगता है, तो थोड़ा सा आपका रिस्क उसमें भी एकदम कम्प्लीटली हम नेकेड नहीं जाते, राइट, तो आपका उस तरीके से होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वो धीरे धीरे जाएगी। आपने कब ज्वाइन किया था मतलब? तो बस ना, अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है ना, तो ठीक है ना, धीरे धीरे लेंगे अभी, चलता है, तो कोई नहीं, अब कम से कम देखो, कम से कम आपको अच्छा वो थॉट प्रोसेस, आपको कैसा है ना, ट्रेडर अच्छा बनना है तो क्रिटिकल प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस। आपको ये सोचना है कि बाकी के लोग क्या सोच रहे होंगे अभी, और मार्केट क्या कर रहा है अभी, मतलब बाकी के लोग अभी यही मतलब यहाँ पे करते हैं कि ये सपोर्ट एक्ट करेगा, मार्केट ने उसके अपोजिट किया, तो एक्चुअली अब वो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहती, क्योंकि वो लोग ट्रैप हो गए, फंस गए वो, जिन लोगों ने बायस बनाया, और वो हम लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहती। जब आप उस तरीके से क्रिटिकल थॉट प्रोसेस से मार्केट को आप सोचना चालू करोगे कि यहाँ पे जो बाकी ट्रेडर्स है वो ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे जो एक तरीके से मार्केट ने इन लोगों को लॉलीपॉप दिया है, तो फिर आप उसको, वो मूव्स को आप कैपिटलाइज कर दोगे, क्योंकि ऐसे मूव्स में ही मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैप करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है ना, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल है तो बहुत लोगों ने सेल करके जो लेके गए नेक्स्ट डे, क्या हुआ, मार्केट सीधा ऊपर खुला। अब कोई सेंस ही नहीं बनता सेल करने का, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह फेल है। रिस्क 35, 436, 35, 830, 400 पॉइंट का 1% से ज़्यादा रिस्क है। रिस्क मैनेज कभी भी मार्केट में रिस्क बढ़ता है, और वो आपको तो समझ लेना मैक्सिमम टाइम्स वो लॉलीपॉप देता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो वो ट्रैप हो गया, फंस गया, वो नेक्स्ट डे सीधा पुट जो है 300-400 का पुट सीधा 100 रुपये पे आ गया है, वो 150-150 पे आ गया था, राइट, क्योंकि वो जहाँ से वो सेल ऑफ आया सीधा एकदम वहाँ पे है। फिर वो वापस आए तो अब उसको लगा उसने एवरेज करके बैठा है वो, और पुट यहाँ पे गया एवरेज करके बैठा, तो जैसे आज कॉल सैंडी जी ने एवरेज किया वो कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि वो एक तरीके से बायस बना के चले कि सपोर्ट होल्ड करेगा, ये तरीके से होल्ड करेगा, बट अल्टीमेटली जो होता है, अगर आपको इंट्राडे करना है या ऑप्शन बाइंग में करना है, तो आपको जो फ्लो करेंटली चल रहा है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, राइट, तो होल्डिंग कैपेसिटी आपकी धीरे धीरे आएगी, डोंट वरी। अगर आपको लग रहा है तो फिर आप हेज करके चलो स्लोली, है ना, बट थोड़ा टाइम लगेगा, उसको 1 महीना तो दीजिए, है ना, जब तक आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तब तक वो बिल्ड नहीं होगा, बट धीरे धीरे वो होगा, ठीक है कनी जी, चलिए थैंक यू। आपकी आवाज़ कम आ रही है। हाँ क्या ये में हाँ नहीं ठीक है, देखो वो चल भी रहा है अभी, आप कोई नहीं, अगर आप ट्रेड अच्छा ले रहे हो, कभी कभी किसी ट्रेड में एग्जिट जल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो होता ही है, उसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट आपको वही है कि आपके जो ट्रेड्स लोगे, आप जो भी 10-15 ट्रेड्स लोगे वो हो जाएगा। आपने 20-30 ट्रेड्स एक बार ले लिए, आपने एक बार सिस्टम को समझ लिया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा इससे पैसा बन रहा है, होल्डिंग कैपेसिटी बाद में बढ़ जाती है। अभी कैसा है, अभी मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा साइडवेज और बहुत बोरिंग मार्केट है, सही में बहुत बोरिंग मार्केट है, तो थोड़ा सा कभी कभी हमको थोड़ा सा वो मूवमेंट भी वो आराम आराम से देते हैं, तो कभी कभी डाउट आ जाते हैं कि यार मैं होल्ड करूँ कि निकलो, है ना। आज का मूव तो काफ़ी फास्ट है, बट उसके पहले के दिन के जो मूव्स है इतना आराम से मूव रहा है, कल का देखो, उसके पहले का देखो, उसके ये दिन पहले देखो, बहुत स्लो मूविंग, एकदम धीरे धीरे जा रहा था वो, राइट, तो कोई बात नहीं वो, बट ट्रेड अच्छा है, लॉजिक अगर आपने लिया है तो कोई नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा, सिंपल चीज़ है कि प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली दैट विल इम्प्रूव, राइट, ओके चलो थैंक यू। वो सॉरी जी, अभी बाद में कभी मैं एटलीस्ट आया तो काफ़ी
क्योंकि टाइम हो गया, तो फिर हम आपको नेक्स्ट मिलेंगे। या प्रवीण जी प्लीज़, प्रवीण जी है, राजकुमार जी नेक्स्ट है, एंड देन विकास कुमार जी। चलिए हेलो कुमार। हाँ प्रवीण जी जी, इसलिए जो है सो वो सेटिंग कैसे करते हैं वो? कौन सा सेटिंग? कौन सा सेटिंग? हेलो आपकी आवाज चली गई। अभी ट्रेडिंग व्यू में आपका फ्री प्लान में एक ही चार्ट दिखेगा आपको, दो तीन चार्ट। हाँ ट्रेडिंग व्यू में आपका फ्री प्लान में एक ही चार्ट दिखेगा, है ना? आपको अगर यहाँ पे चाहिए तो फायर्स में आप यहाँ से दो तीन चार्ट, ये जो दिख रहा है फायर्स में या जीरोधा में, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से आप मल्टीपल दो तीन चार्ट ओपन कर सकते हैं। ये जो बॉक्सेस दिए हैं यहाँ पे जाके आपके लेआउट के लेफ्ट में, ये बॉक्सेस से आप दो तीन चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्री प्लान में एक ही चार्ट दिखेगा। ट्रेडिंग व्यू में आप फ्री प्लान में नहीं कर पाओगे, तो ट्रेडिंग व्यू मत यूज़ कीजिए, ब्रोकर का चार्ट यूज़ कर लीजिए, प्लेटफॉर्म यूज़ कर लीजिए। हाँ वो फ्री, ये तो फ्री है, फायर्स और जीरोधा वाला फ्री है, आप उसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई और वही फायर सिक्योरिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने अभी आपका जो गेम ग्रुप है उसके अंदर मैंने अभी फायर सिक्योरिटीज का अकाउंट ओपनिंग के लिए, जो जो लोग इंटरेस्टेड है जिन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन करना है वो अपना डिटेल्स वहां फिल करें। कल फायर की तरफ से आपको खुद होके कॉल आएगा कि हम फायर सिक्योरिटीज की तरफ सैटरडे को आपको उनको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना। सैटरडे को आता है करो कि मंडे को आएगा? सैटरडे को आता है कि मंडे को आता है? कल आ जाएगा भूषण जी, मैं अरेंज करवा दूंगा इनका, ठीक है? या सीरियस तो आई एम गोइंग टू अरेंज ऑन टुमारो इटसेल्फ। ओके, कल कॉल आएगा तो वो लोगों के साथ अच्छे से बात करना है, पूरा ट्रस्ट का देखो। नहीं नहीं वो आप डॉक्यूमेंट कैसे मांग रहे हो, बिकॉज़ वो आपको हेल्प करने के लिए वहां, तो उनको जो भी कोऑपरेशन लगता है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आधार आपका वेरीफाई करते हैं, कोई ओटीपी मांगे तो दे दीजिए। तो जिनको आता है वो खुद भी लिंक मतलब, हाँ ठीक है ना? यस, बट बहुत बार फिर प्रॉब्लम आता है मुझे कि ये लोगों को 10-15 दिन फिर पासवर्ड मिलता नहीं, यूजर आईडी पासवर्ड। ओके ठीक है, और वो हेल्प करेंगे तो तुरंत मिलता है 2-3 दिन के अंदर, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं वो। अच्छा ठीक है ना, चलो कर लीजिए, लिंक अभी दिया है गूगल फॉर्म के अंदर, फिल करिए एंड कल तक कॉल आ जाएगा आपको बाय सिक्योरिटी की तरफ। चलो ठीक है। हाँ तो प्रवीण जी वहाँ पे एक जीरोधा में भी होगा, बट जीरोधा के चार्ट्स में बहुत बार कैसा होता है कि वो थोड़ा सा डेटा में इशू आता है। जीरोधा के कैसे कि उनकी यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है ना, तो सर्वर से कभी कभी जो डेटा फेच होता है आपके टर्मिनल पे, है ना, वो जो उसका हाई एंड लो का चार्ट का, वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब मिलता है, मतलब काफ़ी बार होता है। तो जो चार्टिंग है वो एक्चुअली जो डेटा वाइज जो चार्टिंग है वो फायर ज़्यादा क्लीनर है, और रिलेटिवली जो जीरोधा है आप कंपेयर करके देख सकते हो, जीरोधा में भी वहाँ पे है। बट यहाँ पे क्या है कि आप ऑर्डर भी चार्ट से डाल सकते हो, जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से ऑर्डर नहीं डाल सकते आप, वो भी एक थोड़ा सा उनका एक रिस्ट्रिक्शन है। चार्टिंग के लिए यूज़ करो, आपको ट्रेडिंग कहाँ से करनी है वो करो, आपको ट्रेडिंग कोटेक बहुत लोग जो ब्रोकर आपको यूज़ करना है ट्रेडिंग वहाँ से करो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जिनको चार्टिंग चाहिए, ट्रेडिंग व्यू समान एक्सपीरियंस चाहिए और पैसा नहीं देना, तो फायर्स उसके लिए बेस्ट है, ठीक है? चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसके बगल में ही जो ये लेआउट्स के बगल में ही बॉक्सेस है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिंगल चाहिए, चार चाहिए, पांच चाहिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू एक्चुअली तभी आपको लेना चाहिए जब आप एक अच्छा आपका इनकम जनरेशन स्टार्ट होता है मार्केट से, राइट? अगर आपको फिर क्योंकि जो डेटा होता है, जो चार्टिंग डेटा होता है ट्रेडिंग व्यू का, सबसे सबसे बेस्ट होता है रियली, राइट? तो उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता है क्योंकि वो ग्लोबल लीडर है ट्रेडिंग व्यू।
बट उसके प्लान्स महंगे राइट अराउंड अगर आप बेसिक भी लोगे तो भी उसके 1000 रुपये महीने से तो मिनिमम स्टार्ट होंगे शायद 1000-1500 रुपये पर मंथ से। बट वही चीज़ है कि आपका जब एक इनकम जनरेट हो जाएगा तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए जो है हम फायर से अपना काम इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है चलो थैंक यू। यस राजकुमार जी। हाँ जी गुड इवनिंग बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था अपना एक निफ्टी ऑटो में। अच्छा आपने क्या स्टॉक में लिया, कौन से स्टॉक में लिया था? मारुति सर निफ्टी ऑटो और टाटा मोटर्स। अच्छा ठीक है ओके ओपन कर लेते हैं दोनों निफ्टी ऑटो और टाटा मोटर्स। आपका 1 जून ना? ठीक है हाँ सर 1 जून का करेक्ट। तो यहाँ पे वेज बिल्डिंग आपने कहाँ पे आपने मतलब ये वाला सर 11:30 का कैंडल ऑटो सेक्टर का 11:30 ये वाला ऑटो सेक्टर। हाँ सर इधर भी और यहाँ से भी ऑटो सेक्टर में भी 11:30 है। बट ये वेज बिल्ड कहाँ पे मतलब हुई है आपकी सर? प्रीवियस डे के लो पे आप नहीं कहा बेस बिल्डिंग, उसने कुछ बेस है नहीं ऊपर से ब्रेक भी नहीं है, प्रीवियस डे लो पे ही खड़ा है मार्केट। प्रीवियस डे लो के पास एक बेस बना रहा है ना सर यहाँ पे ये वाला आप बोल रहे हैं ये बेस? नहीं नहीं अच्छा ये बेस ये वाला ये बेस। देखिए बेस में आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो आपने यहाँ पे स्किप कर दिया। क्या होता है बेस में मतलब ऐसे 4-5 कैंडल बेस में आपका कैंडल साइज एक छोटी छोटी हो जाती है ना डोजी। अब जैसे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, अब दोनों का आप कंपेयर करो एकदम प्रॉपरली है ना यहाँ पे। ठीक है अब ये आपको दिख रही है, जब भी मार्केट बेस बिल्डिंग मोड में जाता है जो कैंडल साइजेस होती है या फिर वो एकदम स्मॉल हो जाती है। ये दिख रही है एकदम छोटी यहाँ पे भी ये एकदम छोटी सी राइट, छोटी छोटी कैंडल्स वहाँ पे मूव होना चालू हो जाती है। यहाँ पे जो आपकी है यहाँ पे सब कैंडल्स उसकी बड़ी है, कोई भी एक छोटी कैंडल नहीं है। इसको ये बेस बिल्डिंग नहीं बोला जाता है उसको, ये एक मार्केट बस वहाँ पे एक तरीके से टाइम पास कर रहा है। आपको अगर बेस बिल्डिंग चाहिए टाटा मोटर्स में तो ये देखो बेस बिल्डिंग अगर आपको चाहिए ये दिख रहा है आपको ये वाला। अब यहाँ पे देखिए ये स्मॉल कैंडल्स उसकी बॉडीज एकदम छोटी छोटी हो जाती है, ये प्रॉपर बेस बिल्डिंग है। इसको ब्रेकडाउन दिया और फिर सेल ऑफ आया राइट। अब यहाँ पे भी हम लोग टाटा मोटर्स में अगर देखेंगे प्रॉपरली ये देखिए ये वाला ये दिख रहा है ये है बेस बिल्डिंग। अगर आप पीडीएल के पास बोलते हो ना ये दिख रही कैंडल, छोटी छोटी कैंडल्स एकदम प्रॉपर। बेस बिल्डिंग मतलब कैसा होता है, कैंडल साइज मार्केट में रिड्यूस होती है, वॉल्यूम में डिप आता है राइट। ये देखिए वॉल्यूम में डिप आता है और मिनिमम 4 कैंडल्स वहाँ पे इस टाइप की चाहिए और मार्केट थोड़ा सा एक लूज होता है, उसके बाद WRC से ब्रेकडाउन होता है। ये होता है बेस बिल्डिंग, इससे ब्रेकडाउन दिया तो आपको फिर एटलीस्ट वो नीचे भी नहीं गया जो भी है मतलब, बट एटलीस्ट वो उसने आपको ट्रैप भी नहीं किया, वहीं पे घूम के बंद हो गया राइट। तो ये एक्चुअली बेस बिल्डिंग आपको, बट इसका जो बेस बिल्डिंग है ये पहले ही दे दिया था, ये सेकेंड बेस बिल्डिंग है दिन का, ये आपका ट्रेड यही इसके बाद ही एक्टिवेट हो जाएगा अगर लेना है तो। ये देखो ये एकदम बेस बिल्ड का ब्रेकडाउन दिया फिर वो मूव होना चालू हुआ ठीक है। तो अभी जो आपने 1 जून को बोला है वो एक्चुअल बेस बिल्डिंग नहीं है, है ना? अच्छा सर जो आज का है जो 10:30 पे जो बना हुआ है यस ये आज का परफेक्ट, आज का कोई डाउट नहीं है, ये एकदम परफेक्ट बेस बिल्डिंग। बट दिक्कत ये WRC से ब्रेकडाउन नहीं किया, तो पर हां इसने ब्रेकडाउन नहीं किया पर उधर भी उसने ब्रेकडाउन बाद में WRC लेट दी थी 45 पे दी थी ये यहां पे भी। अब यहाँ पे भी अगर आप एक मिनट ये पूरा जोन देखोगे राइट जी सर, अब ये देखिए ये पूरा प्रॉपर बेस बिल्डिंग है। अब देखो ना कैंडल साइज भी आपको प्रॉपरली दिख रही है, देखो छोटी छोटी हो गई है और उसके बाद उसने ब्रेक डाउन किया। अब यस यहाँ पे डाउट है मेरा, हाँ यहाँ पे डाउट है मेरा कि जैसे यहाँ पे बेस बिल्डिंग जैसे ये फर्स्ट 3 कैंडल जो प्रीवियस डे लो के पास बन रही है उनको मार्क करेंगे या ये नीचे वाले को भी? नहीं आपको मिनिमम 4 कैंडल चाहिए ना, ये तो सिर्फ 3 ही बनी है ना राइट, तो ये चौथी बन गई छोटी, तो ये पूरा जोन हो गया अभी ठीक है। मिनिमम 4 चाहिए रूल इसीलिए क्योंकि 2-3 कैंडल में वो बेस नहीं बनता है,
कम से कम मिनिमम वन आवर तक मार्केट उस जोन में अपने आप को रोकना चाहिए, राइट? एंड स्मॉल कैंडल्स होनी चाहिए. मतलब कैसा है कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और उसके बाद फिर वापस आप आज का अगर आप टाटा मोटर्स रिजेक्ट करते कोई भी देखो डब्ल्यू आर सी नहीं बनाई तो एज पर द रूल हम वो ट्रेड नहीं बनता है, सिंपल है, राइट? बट है ना, तो एक तरीके से आप नहीं भी ले सकते हो. दूसरा देखो, दूसरा सेटअप अगर मूव हो रहा है, मारुति देखोगे, मारुति ने बढ़िया बनाई ना डब्ल्यू आर सी, ये देखो तो मारुति सिलेक्ट करो. फिर मेन वही है ना कि अब देखो अल्टीमेटली सेक्टर मूव हो रहा है तो कोई ना कोई स्टॉक गिर रहा है. मारुति गिरा भी टाटा मोटर से ज्यादा ना, देखो कंपैरेटिवली मूवमेंट भी स्मूथ है उसकी, राइट? तो हमें बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करना है. मारुति में वॉल्यूम भी है, इतना प्रॉपर बेस बिल्डिंग, देखो एकदम परफेक्ट बेस बिल्डिंग दी है उसने, छोटी छोटी कैंडल्स, ब्रेकडाउन भी वॉल्यूम के साथ डब्ल्यू आर सी और मूव मिला है, कोई दिक्कत नहीं है. तो और एक सर मैकडॉनल्ड का था. अच्छा, मैकडॉनल्ड लिस्ट में नहीं है अपने, बट ठीक है, कर लेते हैं. हाँ, मैकडॉनल्ड्स का. हाँ बोलिए सर, आपने वो प्री में दिया था. अच्छा, प्री में. हाँ नहीं, हाँ ठीक है ना, प्री में आप, सॉरी ये दूसरा निकल गया. यूनाइटेड स्पिरिट्स. हाँ हाँ बोलिए सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये था, इसमें अपन इसको सेल आउट करना होता कि 940 की कैंडल बनी है उसके करते, या फिर ये प्रॉपर जैसे ग्लोबल सी है 120 पे, पर वहां पे वो वॉल्यूम नहीं है. देखो सबसे पहले इसमें आरईबीबी का तो कोई कांसेप्ट लगेगा नहीं, इसमें एक ही कांसेप्ट लगेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक. स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे है, गया हायर लो बनाया, हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया सेकंड कैंडल, ठीक है? जी सर. उसके बेसिस पे ट्रेड है. इसमें अगर आपने स्ट्रक्चर ब्रेक पे कर रहे हो तो पीडीएच के ऊपर आपका एसएल रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर यही लोअर हाई, लास्ट लोअर हाई यही था, ठीक है? अब हम नॉर्मल कैंडल स्टिक में आते हैं, तो उसने डब्ल्यू आर सी से ब्रेक किया, यस पहली कैंडल डब्ल्यू आर सी बन गई है, ब्रेक किया है, आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, इसके ऊपर आपका एसएल है. और टारगेट जो है, अब नेक्स्ट जो भी सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये देखो ये जोन दिख रहा है हमें मार्केट में, और कुछ है ही नहीं बीच में, तो सपोर्ट ये वाला जोन दिख रहा है, ठीक है? ये वाला एरिया आपको देखो, ये एरिया दिख रही है, जो भी ये रुका है यहाँ पे, ये एरिया के अलावा कुछ है ही नहीं मतलब चार्ट में, क्योंकि उसके पहले मार्केट यही से उठा था और यही जोन एक सपोर्ट, जो भी हम बेस बोलेंगे या जहाँ पे भी प्राइस रुका था, एक लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था उसने, वो ये एरिया था. तो ये आपका अराउंड 810 से 804 वाला जोन है, ठीक है? इस जोन आपका मतलब एक यस यहाँ पे आ गया, ये टारगेट वन हो गया. हाँ तो सर यहाँ पे WRC बड़ी नहीं हो जाएगी? WRC देखिए, आपका रिस्क बड़ा है तो फिर आप ट्रेड क्वांटिटी कम कर सकते हो, है ना, राइट? अभी देखिए यहाँ पे आपका रिस्क कितना है, 1% है, परफेक्ट है ना, 1% के रेंज में तो आ रहा है. रिस्क हमारा मैक्सिमम 1% होना चाहिए. हाँ नहीं तो आपका रिस्क देखो ना, उसमें पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाई उसने, 2% का रिस्क है, रिजेक्ट करना पड़ेगा. आपका ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर होता है, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इतना बढ़िया बेस बिल्डिंग के बाद यहाँ पे बाय आपका बनता है, यहाँ पे रिस्क आपका कम है और जितना मिल रहा है उतना आप फिर ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बाय लाइव सेशंस अपने नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होंगे, है ना? जिनको भी जो नहीं है, 6 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट मंडे से 9 AM को आपको, मतलब उसके आधे घंटे या 15 मिनट पहले लिंक आ जाएगी. 9 AM से हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 जून से, और ये 10 जून तक चलेगा अपना, है ना, 5 डेज. तो लॉग इन कर लीजिए, टाइम पे फायर्स का अकाउंट भी ओपन करवा लीजिए. हाँ, दैट मजा आएगा. एंड जो लोग एकदम नए हैं, जिनके वीडियोस नहीं हुए, वो ऑब्जर्वेशन मोड पे रहिए. जिनको आप थोड़ा आरईबीबी समझ में आ गया है, है ना, अभी जिनको सारा मतलब अराउंड 3-4 हफ्ते हो गए हैं, ट्रेड्स भी ले लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया, वो लाइव में ट्रेड कर सकते हैं. बट बाकी लोग जिनको नहीं पता, ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आती है बॉइल डाउन पे कि रिस्क मैनेजमेंट पे, है ना. कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको लाइव सेशंस हो रहे हैं तो बस हम लोग कुछ भी ट्रेड करेंगे. एक लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरा ये रहता है कि आप पहले सीख लीजिए कोई भी चीज़ को अच्छे से, और फिर आप काम करोगे तो ये अच्छा. अब ये देखिए, ये भी इसने बेस बिल्डिंग है, रिलायंस में आज वापस सेल सेटअप आया था, परफेक्टली एकदम बेस बिल्डिंग,
ब्रेक डाउन, गुड वॉल्यूम, राइट, पूरा अच्छा वॉल्यूम है, कोई टेंशन नहीं है वॉल्यूम में, थोड़ा वॉलीटिलिटी आया और टाइम नहीं था, नहीं तो हमारा टारगेट तो बढ़िया यहाँ तक कहीं तो भी हो, कुछ कुछ है ही नहीं ना, पूरा एकदम खुला आसमान है, बट टाइम ख़त्म हो गया तो अब ऑटो स्क्वायर ऑफ ही करना पड़ेगा। बढ़िया एकदम ज़बरदस्त ट्रैप किया इसने यहाँ पे बायर्स को, और मेन चीज़ है इंडेक्स के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सेल ऑफ आया सेम टाइम पे, निफ्टी में भी सेल ऑफ आया, तो सब साथ में मूव हो रहा है। उसके जो जो उसका निफ्टी है या फिर मेन रिलायंस का CNX एनर्जी, उसके डायरेक्शन में देखो, CNX एनर्जी ने भी क्या किया, ब्रेक। अब यहाँ पे देखो, देखो कैसे ट्रैप होता है, सेक्टर ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया बट रिलायंस ब्रेकआउट नहीं दिया। हमेशा सिंक में मूव होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है, मार्केट में ट्रैप होता है, और ये मैक्सिमम लोग चीज़ मिस करते रहते हैं। अब CNX एनर्जी और इसके चार्ट में साइड बाई साइड ओपन करता हूँ, ये निफ्टी एनर्जी अपना रिलायंस सेक्टर का, और देखो यहाँ पे है ना, इधर देखो दोनों को प्रॉपरली अच्छे से कंपेयर करो। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल जब बनी है, जब ये ग्रीन कैंडल बनी है ना रिलायंस ने, ये रेड कैंडल बनाई, मतलब सिंक में नहीं है। अब जब कोई भी चीज़ सिंक में नहीं है उससे दूर रहना है, फिर जब बट जब ये रेड बनी है तब रिलायंस ने बराबर रेड बनी, अब सिंक में है, अब यहाँ पे मतलब बड़ा प्लेयर एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस कोई दूसरा सेक्टर को, ये कोई दूसरा स्टॉक कुछ ग्रीन कैंडल बना ली होंगी बट उसने ट्रैप कर दिया, राइट। इसलिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेक्टर और स्टॉक का कोरिलेशन बहुत है। अगर आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी एनर्जी उस टाइम पे एटलीस्ट उसके अपोजिट नहीं मूव होनी चाहिए। अगर ऐसा रहता है कि रिलायंस ने ये रेड कैंडल बनाई रहती और निफ्टी एनर्जी ग्रीन कैंडल बनाए, सीधा ट्रेड को रिजेक्ट करना है। देखिए ट्रेड्स बहुत मिलने वाले हम लोगों को, ये लोग मतलब गलती हम लोग ये करते हैं कि हम ट्रेड्स के पीछे भागते हैं, वो जब तक आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं बनाओगे ट्रेडिंग से, राइट। और इसीलिए जो है सोशल मीडिया को थोड़ा कट ऑफ करना है, और हमें अपने जो एनालिसिस है या फिर जो चीज़ है, अब बेस बिल्डिंग देखो, REBP पे देखो, जो भी सेटअप्स दिए हैं या फिर जो सिस्टमेटिक दिए हैं, आज भी हमने REBP सेटअप्स के लिए वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया था। ICICI बैंक, रिलायंस देखो प्रॉपरली मेंशन था, राइट, अब इन्फोसिस था, बचफिन था, ICICI बैंक, और इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट होते, तो इंडेक्स तो आप जो भी करते हो ट्रैक करते ही करते, तो निफ्टी बैंक निफ्टी आप रोज़ रोज़ डालते नहीं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए उनके लिए स्टॉक्स पे जो है वो फोकस है। तो रिलायंस ने अपने को सेटअप दिया, है ना। अभी हम आते हैं ICICI बैंक पे, ठीक है। ICICI बैंक ने कितना मतलब परफेक्ट REBP जो बोला जाता है ना, एकदम फ्रेम करके जो रखने वाली जो सेटअप होता है, तो ये होता है, ये पहले ही ट्रेड प्लान के पहले ही सब क्लियर था, एकदम मतलब सेक्टर के साथ मूव हो रहा है, पिक्चर परफेक्ट REBP सेटअप, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट लुक एट दिस रिवॉर्ड। PDH से PDL अगर जिस दिन, मतलब वो बोलते हैं ना कि अलग ही खुशी होती है जब मार्केट PDH पे हम कोई चीज़ सेल करते हैं और PDL तक आ जाती है, रिवर्सल ट्रेड, वो चीज़ आपको है। तो ये रिलायंस लेट दिया, ICICI बैंक वॉज द टॉप परफॉर्म, क्योंकि डेफिनेटली बैंक निफ्टी जल्दी गिर गया कंपेयर टू निफ्टी। अब नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सेटअप था, इन्फोसिस था, बचफिन था, रिलायंस तो डिस्कस हो गया, बचफिन देख लेते हैं, राइट। बजाज फाइनेंस अगेन यू कैन सी लेट मूव हुआ, है ना। देखो दोनों को कंपेयर करना है, ICICI बैंक 1215 जब बैंक निफ्टी ब्रेक किया तभी आया, बजाज फाइनेंस ने जब बेस बिल्डिंग ब्रेक किया लेट 215, बट स्टिल उसने भी जो पाप थे या उसने जो लेट है, ICICI बैंक पूरा दिन लगाया 1.2% मूव होने के लिए, बजाज फाइनेंस को 3 कैंडल लगे 1% मूव होने के, वो डिफरेंस होता है। तो अल्टीमेटली टाइमिंग है, तो बचफिन वॉज ऑल्सो वर्कड एक्सेलेंटली वेल, राइट। ICICI बैंक वर्क वेल, रिलायंस ठीक ठाक बोलेंगे, है ना, कि बहुत लेट मिला, चलो ठीक है, बट फिर भी उसने एक तरीके से एवरेज भी देखे वहाँ से 0.7% दे दिया, क्योंकि 3:15 बजे तो स्क्वायर ऑफ ही है, उसके बाद का मूव हम नहीं लेंगे, तो 3:15 मतलब यहाँ तक ही लेंगे, 3:15, उसके बाद तो हम क्लोज ही नहीं कर, होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये PDL तक आ गया तो उसने अपना टारगेट ख़त्म कर दिया, ये PDL अभी नीचे है बट इसका टाइम ख़त्म हो गया, नहीं तो ये आ जाता PDL पे, जितना मार्केट में जो मोमेंटम था सेल ऑफ था और मार्केट को और आधा पौन घंटा मिल जाता तो रिलायंस भी एक अच्छा खासा 2750-40 पे आ जाता, राइट। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक तरीके से अंडरस्टैंड करना, और अभी स्टूडेंट्स का भी दिखाता हूँ जिन्होंने एक तरीके से रिलायंस
रिलायंस ट्रेड किया था आई थिंक दूसरे इसमें डाला तो रिलायंस ऑल्सो ही ट्रेडेड टुडे एंड ICICI बैंक वो शायद दूसरा अब है तो वहाँ पे ही ऑल्सो मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी ओवर देयर तो सिंपल सेटअप्स है रिस्क मैनेजमेंट अपना क्लियर है आई थिंक इसने मेंशन किया यहाँ पे या मेरे दूसरे आईडी पे आया वो यहाँ पे है नहीं ठीक फैमिली में भी यू कैन सी मारुति शॉर्ट ट्रेड है ना स्टूडेंट्स भी देखो फैमिली जो कंप्लीट प्रोजेक्शन के मारुति शॉर्ट ट्रेड एंड उसके बाद बैंक निफ्टी शॉर्ट ट्रेड तो एटलीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो चीज़ सिखाई गई है ना ये कंप्लीट प्रोजेक्शन बट आपको गेम चीज़ें में जो चीज़ सिखाई गई है वो ट्रेड हो रही है अब सिंपल चीज़ है एंड काइंड ऑफ वो ऑलरेडी पहले मैंशनड है कि ट्रेंड के अगेंस्ट लोगों को नहीं जाना जो इंट्राडे ट्रेंड है लोअर है उसके अगेंस्ट वो नहीं गए अगेन इसने यहाँ पे एंट्री ली है बैंक निफ्टी बहुत एक तरीके से प्रॉपर है ये जो है ही टुक इट जैसे वो ट्रेंड लाइन का आपको बताया ना ये देखो ये ट्रेंड लाइन का तो ये गलत ट्रेड यहाँ पे एक तरीके से बोली है बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे ही मैंशन Converted a long position profit with extra hedging and एक तरीके से he took a losing position sorry long नहीं बोल रहा converted a losing position तो उसने पहले buy लिया था call उसको but convert करके put में आके profit में एक तरीके से कर लिया so important चीज़ वहाँ पर यह है कि हर एक चीज़ करने का एक systematic process होता है वो अगर आपको आ गया market में आप अगर गलत भी हो रहे हो तो भी आप बहुत जल्दी उसको समझ के उस पर एक्ट करके हम उस चीज़ को मतलब लॉस को काइंड ऑफ बढ़ा नहीं सकते और मार्केट के फेवर में जल्दी आ सकते जैसे अगेन ये अक्षर का दिखाया एंड विद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है जो हमारी कम्युनिटी भी होती है पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है किसी को है नहीं प्रॉपर जो मैसेज डाले ट्रेंड लाइन से बाय भी किया अल्टीमेटली किसी दिन अगर वो सही होता तो ही वुड बीन वेरी हैप्पी देखे बाय किया बट मार्केट ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं चलता है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है यही प्राइस एक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द एक बोलेंगे तो अगर सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल यही है स्ट्रक्चर जो चल रहा था लोअर हाई 5 मिनट का होने के बाद वो उसने नहीं ब्रेक किया तो बायर तो कहीं दिखा ही नहीं प्राइस में ये ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं है फिर एंड ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अब ये सपोर्ट बनेगा और यहीं से प्राइस ऊपर भागेगा बट इट फेल्ड बिकॉज अगेन ही वॉल्यूम प्रोफाइल का कंसेप्ट भी इसने यहाँ पे आज किया कि यहाँ पे बहुत ट्रेडिंग हुई है तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है ये वॉल्यूम प्रोफाइल है जो लेफ्ट में दिख रहा है ना तो एक तरीके से आप कुछ भी यूज़ करो वो सब सपोर्टिंग चीज़ें होती है बट मेन चीज़ है कि वो वॉल्यूम प्रोफाइल भी हेल्प नहीं किया वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि अल्टीमेटली प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम होता है अगर स्ट्रक्चर ही मार्केट उसको रिवर्स नहीं कर रहा है लोअर रहेगा तो क्या वॉल्यूम प्रोफाइल क्या ट्रेंड लाइन क्या मूविंग एवरेज सब यूजलेस है राइट मार्केट 200 के ऊपर है 50 के ऊपर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली वही चीज़ है कि प्राइस ने जो अपना स्ट्रक्चर है उसको रिस्पेक्ट किया और वो लास्ट तक वो सेलिंग कंटिन्यूड रही मार्केट में एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग इवन इफ हिज एनालिसिस वेंट रॉन्ग ही वॉज एबल टू काइंड ऑफ कन्वर्ट इट टू अ पुट डेबिट जो ये बोला जाता है पुट डेबिट इस तरीके से अब ये देखो ये पुट डेबिट किस तरीके से किया गया है 4 लॉट बाय किए हैं 2 लॉट सेल किया तो इट्स लाइक अ मीडियम रिस्क बोलेंगे हम हाई रिस्क नहीं है क्योंकि चार लॉट खड़े रहते थोड़ा सा ये करता उसके बाद फिर एक प्रॉफिट भी वहाँ पे ही वॉज एबल टू डू गुड प्रॉफिट 5000 के अराउंड जो प्रॉफिट हुआ है वो एक तरीके से वहाँ पे हुआ बट डेफिनेटली क्योंकि वो लॉस मेकिंग पोजीशन थी पुट सेल किया था है ना अर्लियर पोजीशन में ही हैड सोल्ड पुट एंड देन ही बॉट द पुट तो उसमें वो 4 लॉट पुट सेल करने के बाद उसको फिर 2 लॉट कवर कर दिया पुट सेल के एंड आफ्टरवर्ड्स 4 लॉट यहाँ पे बाय भी कर लिया तो उस तरीके से ही डिड इट समथिंग राइट सो एक तरीके से काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेज करते आना चाहिए स्पेशली विद द मार्केट एंड जो ही ऑल्सो रियलाइज द मिस्टेक कि ही वेंट इनटू प्रेडिक्शन स्टेज राइट तो प्रेडिक्शन स्टेज में वहाँ पे गए तो वो एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट कहा गया हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे है कि प्रेडिक्शन करने जाओगे तो आप बहुत मार्केट बहुत इजीली फंस सकते हैं फंसा देता है बहुत बार तो ये प्रेडिक्शन अगर नहीं करता ही वुड हैव जस्ट वेटेड फॉर इट टू बेस बिल्ड के बाद एक डायरेक्शन के लिए
तो वो एडजस्टमेंट की भी नौबत नहीं आती एंड डेफिनेटली हिज प्रॉफिट वुड हैव इंक्रीज्ड रेदर देन 5,000 ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 7,000-8,000 या 9,000 बिकॉज ये भले ही यहाँ पे थोड़ा क्या डैमेज कंट्रोल मोड में ही हैड टू गो बट आइडियली जो यहाँ पे लॉस जो होता है राइट वो लॉस उसका कम हो जाता तो दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर तो देन ही फ्रॉम नेकेड पुट सेलिंग ही शिफ्टेड टू अ डेबिट पुट सिस्टम राइट तो वो डिफरेंस है वहाँ पे एंड वो जल्दी शिफ्ट किया एंड डेफिनेटली वो फेवर वहाँ पे मिला है मूव का वहाँ पे दैट ही वॉज एबल टू क्लोज इन गुड प्रॉफिट ठीक है चलिए मूव कर दें यस प्रवीण कुमार जी आपका शायद हो गया डाउट है हाँ प्रवीण जी बोलिए हेलो सर हाँ हाँ बोलिए सर वो करना चाह रहे हैं आपका सर सॉरी समझ नहीं आ रहा मुझे सर वो मेंटरशिप वाला ज्वाइन करना चाह रहे हैं सर बातचीत करने की कोशिश की कई बार फोन की लेकिन बातचीत सही से नहीं हो पाया गौरव का नंबर वेबसाइट पे है ना आप उस पर कॉल कर लीजिए नहीं है क्या कौन से नंबर पे किया गौरव हेलो मुझे प्रवीण की बात नहीं हुई अपनी रिगार्डिंग क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट है आपने दूसरे नंबर पे शायद किया होगा नंबर आप वेबसाइट से ही लेना कोई इधर उधर मत ले लेना क्योंकि चैट बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं मैं नंबर सबको क्या मार्केट गूगल पे आपको नीचे जो दो नंबर है ना बस वही दो नंबर है बाकी कोई अगर तीसरा नंबर मतलब ऑफिशियली ऑपरेशनल मतलब नहीं है ये दो ही नंबर है राइट इसके अलावा आपको कोई नंबर आता है तो फिर वो वेरीफाई कर लीजिएगा उससे मैसेजेस वगैरह बस क्योंकि कैसा है कि आजकल बहुत लोग ना एक दूसरे को ये करते हैं मतलब मास्क करते हैं कि हम ये हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं या बोल रहे हैं और काफ़ी फ्रॉड भी हो चुका है और एक दो ऐसे भी केसेस है कि पैसा चले गया मतलब वो अच्छा है कि नहीं बट किसी और को थर्ड पर्सन को ही दे दिया और वो बोले कि नहीं नहीं मैं इनका है तो वो कभी भी जो नंबर है ना वेबसाइट वगैरह इसीलिए बनाया गया है कि ये ऑफिशियल नंबर्स है इसके अलावा किसी नंबर से आता है तो फिर मतलब उसको मतलब आप ट्रस्ट मत कीजिए है ना अगर वो रहेगा तो प्रॉपरली वेरीफाई कर लीजिए कौन है क्या है लिंक भी आएगी पूरा प्रॉपर लोगो या प्रॉपर वो सब चीज़ें रहती है तो वो जेन्युइन होता है क्योंकि ये हो चुके हैं केसेस और आजकल इस तरीके के स्कैम्स काफ़ी होते हैं तो आप वेरीफाई कर लीजिए किसी को एक रुपया देने से पहले भी आपको वेरीफाई करना चाहिए प्रॉपरली सिस्टमेटिक है ना क्या है ना तो गौरव का आवाज़ तो आप पहचान दी हो गौरव की या मेरी भी आवाज़ पहचान दी हो तो अनफैमिलियर आवाज़ रहे तो समझ जाना क्योंकि हमने किसी भी कोई भी व्हाट्सएप कर दिया मैंने आपको अभी हाँ हाँ ठीक है चलिए ठीक है फिर मूविंग ऑन यस विकास जी गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग जी सर आज आपने सर ग्रुप में भी जो अभी आपने लगा रखा है तो सर इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ जैसे पहली कैंडल बनी है ये 957 के अराउंड गई है 957 हाई मारा इसने लेकिन जो आपने जो बेस बनाया है ना सर कौन से चार्ट में सर अपने 957 कौन सा आप स्टॉक बोल रहे हो जो फर्स्ट कैंडल गई आईसीआईसीआई बैंक की अच्छा आईसीआईसीआई बैंक की ओके ओके लेकिन सर जो ये बेस आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो सर ये मिड में क्यों बनाया सर एसएल तो अपन नहीं 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 बना सकते ना यहाँ ये आपको बेस बिल्डिंग ये जो आप बोल रहे हो ना 957 अगर यहाँ पे भी आप बेस बना रहे देखो अभी बेस निकाल अभी अल्टीमेटली क्या है जहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल है ना वो पूरा एरिया ही हो जाता है वो है ना अब कहाँ गया वो प्रोजेक्शन यस ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक हाँ अब यहाँ पे जो चाहिए अब अल्टीमेटली क्या है कि अभी का जो बेस मतलब मार्केट एक तरीके से कैसा है कि यही से कंसोलिडेशन 756 से ही आ रहा है ठीक है पहली कैंडल को इग्नोर करो वो तो क्या है वो तो बहुत बड़ी कैंडल है वो तो बेस बिल्डिंग का पार्ट नहीं है बट सेकेंड कैंडल से बेस बिल्डिंग हो रहा है अच्छा। राइट तो कोई उसमें आपका जो व्यू है जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो कि बेस बिल्डिंग ये पूरा होना चाहिए करेक्ट राइट जो ये बड़ा जी सर यस यस कोई प्रॉब्लम नहीं अभी इसमें अभी कैसा है यस अभी यहाँ पर क्यों बना है उसका एक रीज़न है कि अल्टीमेटली मार्केट में देखिए अगर उसको वो खड़ा है एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर
अगर देखिए ये जब जब भी कोई डोमिनेंट प्लेयर आएगा ना, अब यहाँ बनाओ थोड़ा यहाँ बनाओ, वो जो ब्रेकआउट करेगा ना वो ये पूरा तामझाम को ब्रेक करेगा, वो ऐसे चुप चुप के नहीं आएगा वो, राइट। तो बेस बिल्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चल जाता, उसका नहीं है। बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट कि करेंटली आपको जहाँ पे फोर कैंडल्स मिल रही है वो बेस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप अगर मार्केट यही पे बेस बना लेता, यही घूमते रहता तो ठीक है, अब मार्केट जब नीचे गिरा तो उसके बाद ये वाला एरिया हो गया पूरा 1 2 3 4, हमें चार कैंडल्स मिल गए और यहाँ पे कंटिन्यूसली टच कर लिया, ठीक है। अब जब उसको अगर ये ऊपर भी निकलता बाई चांस, जैसे आप दीजिए ब्रेक डाउन किया तो एकदम पूरा प्रॉपर निकला, अगर ये ऊपर भी जाता तो ये वाला जोन के ऊपर वो क्लोजिंग गारंटीड देता था, अगर उसको भागना रहता ऊपर तो, क्योंकि वो डोमिनेंट प्लेयर है, वो बिल्कुल अपना डोमिनेंस शो करेगा, वो इतना आराम से नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, ये वाला आप ICICI बैंक का ये वाला फेज देखिए, ये दिख रही है ये वाला फेज, राइट, 1 2 3 4 चार छोटी कैंडल PDH के आसपास, जब वो निकला है तो देखो कितना, मतलब उसने अपना प्रॉपर दिखाया है कि मैं आया हूँ यहाँ पे, एक बड़ा बायर हूँ मैं और मैं मार्केट में आया हूँ, और वो एक तरीके से प्रॉपरली उसने फिर पुश भी कराया मार्केट में, राइट। तो जो डोमिनेंस है वो आपका थोड़ा एकदम ऐसे, आपको लक्ष्मण की लकीर नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट टॉप यही है, थोड़ा ऊपर नीचे रहा चल जाता है। अल्टीमेटली ये है कि जब भी, बट मेन उसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी वॉलीटिलिटी एक्सपेंड होगा, अब जैसे यहाँ पे भी ये बेस बिल्डिंग का बना है ना, तो कुछ लोगों की हम ये पूरा ही बना लेते हैं, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं उसका नहीं है, क्योंकि आइडली करेंट जहाँ पे अभी मार्केट छोटी छोटी सबसे छोटी कैंडल जहाँ घूम रहा है कंटिन्यूसली वो ये बेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो एक्चुअली डे है आपका टारगेट 1 बन गया बच फिन में, ठीक है। इसके ऊपर जब जाएगा तो वो तो फिर पीछे के चार्ट देखना पड़ेगा, ये अपना टारगेट 1 ही है, ये दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये टारगेट 1 है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो मेरे लिए ये एटलीस्ट 6165 टारगेट 1 हो गया, राइट। सिमिलरली ICICI बैंक में अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, समझ लीजिए ऐसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा रहता, तो आइडली आपका ये टारगेट 1 हो जाता, क्योंकि वहाँ से एक सेलर आया है, ये डे है, ये दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे ICICI बैंक में, राइट, ये आपका टारगेट 1। इसके ऊपर जाता तो पीछे हमें फिर चार्ट देखना पड़ता, फिर उसके ऊपर वो टारगेट्स रहते। तो साइडवेज मार्केट में कैसा है, समटाइम्स पॉसिबल होता है कि आपके टारगेट्स एकदम क्लोज है, बट जो बेस बिल्डिंग आपको जब भी ड्रॉ करनी है तो वहाँ पे आपको ये सिंपल चीज़ होनी चाहिए कि वो जोन में आपके मिनिमम 4 छोटे कैंडल्स होनी चाहिए, मार्केट एक कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वॉल्यूम डिप होना चाहिए, और जब भी वहाँ से निकलेगा मार्केट तो एक अच्छी WRC और अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलना चाहिए, दैट्स इट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हो जाता है, उतना आपको एकदम बारीक से नहीं देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी वॉलीटिलिटी एक्सपेंशन होगा वो क्लियर होगा, वो आपको अगर वो क्लियर नहीं करेगा तो या तो वो वीक बनाएगा, जैसे टाटा मोटर्स में हुआ था, वीक बनाया था तो वो ट्रेड रिजेक्ट करना पड़ा था, मारुति में आप ले सकते थे जो अभी हमने डिस्कस किया, या फिर वो क्या करेगा कि वो सर इसमें जैसे सेकंड कैंडल से ये चार कैंडल बना रहा है, उसके बाद में सर थोड़ा वीक है, मतलब ऊपर भी नीचे पांचवे कैंडल पे, तो सर ये नहीं कंसीडर, हां विक कंसीडर आपको नहीं, देखो विक क्या है, विक का भी रूल हम मेंशन किए, अगर वो प्राइस एक ही बार टच कर रही है तो उसको इग्नोर करना है उस दिन, राइट। ये सिंगल टच किया ना, ये प्राइस, ये कैंडल तो बाद में बनी, बट जब ये बेस बन रहा था, हाँ ये दो कैंडल होने चाहिए उस जोन में, अगर ये एक ही बार विक बन रही है तो मतलब वो बस स्टॉप लॉस, जैसे लोग PDH के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े रहते हैं ना, राइट, जिन्होंने बाई किया PDH के नीचे लोग सेल है, तो इसने सिर्फ स्टॉप लॉस हंड करके आया वो, और कुछ काम नहीं है उसका, राइट। तो मेन चीज़ क्या है कि विक अगर सिंगल विक है, जब प्राइस उस दिन मतलब है ना, पिछला दिन नहीं, उस दिन अगर वो फर्स्ट टाइम ही आई है, और वहाँ पे जैसे ये विक है, ये फर्स्ट टाइम ही आई है, यहाँ पे प्राइस सेकंड टाइम आया नहीं, तो एक्चुअली ये प्राइस वैलिडेट नहीं हुआ है, कभी भी दो बार अगर जैसे यहाँ पे ये प्राइस और ये प्राइस दो बार टच हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स सब्सटेंशियली गए हैं, मतलब वो वैलिडेट किया है मार्केट ने, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे भी मार्केट में सिर्फ ये विक बनी है, तो ये विक मतलब एक ही बार टच करके फिर प्राइस आए नहीं, उसके बाद बेस पे अंदर चला गया वो, तो ये विक आपको इग्नोर करनी है। जनरली अगर लॉन्ग विक्स होती है और वो एक ही बार प्राइस आए, हाँ बोलिए जी सर, जो अपन जो बेस देखते हैं जो स्टॉक में जो भी किसी में भी, तो सर जो ये PDH के ऊपर या PL के नीचे जो बनते हैं उन्हीं को देखेंगे या फिर उसके लेके वो बीच के भी दे सकते हैं सर, प्रीवियस डे के आस पास में रहा तो चल जाता है, कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला ICICI बैंक का अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया था, ये वाला देखिए,
ये पीडीएच एक ग्रीन लाइन उधर ही एकदम बेस बिल्ड कर रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत ना, प्रॉब्लम इट्स फाइन, ठीक है। तो एकदम पीडीएच के पास, ठीक है, ये कैसा है, ये ट्रैप, ये पीडीएच और पीडीएल रेंज एक्सपेंशन जोन्स या ट्रैप जोन्स दोनों होते हैं। अगर मार्केट को नहीं जाना है ऊपर, वो क्या करेगा, पीडीएच के ऊपर जाएगा, विक बनाएगा और सडनली फिर नीचे गिर के ट्रैप करता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया कि वो उन लोगों को ट्रैप कर रहा है जिन लोगों ने सेल किया और पीडीएच के ऊपर स्टॉप लॉस रखा, तो वो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ना, फिर वो ट्रैप करके आया ना वो। या फिर बहुत लोग क्या है, पीडीएच के ऊपर स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर या फिर ऐसे करते, ये पीडीएच के ऊपर जा रहा है कैंडल, सडनली बाय करते कि भैया ये अब भागने वाला है, वो सीधा फंस गए, तो वो तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। सर इसमें जैसे कोई पीडीएल के पास में कोई सेटअप बनता है तो वहां पे सर बाइक का बन सकता है क्या फिर? सर कहीं भी क्यों नहीं बनेगा, बहुत बार बनता है ना बाइक सेटअप, तो आपको पीडीएल के आसपास काफी बार मिलता है जब मार्केट रिवर्सल करने आता है। अच्छा, रिवर्सल करता है तो जैसे ये भी रिवर्सल करने आया था तो आपको ये भी मिलेगा यहाँ पे। अब ये प्रॉपर आपका जैसे डायरेक्ट क्लियर होगा। अब ये देखो, ये बेस बिल्ड कर रहा है, अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू आर सी, ये देखो ये क्लियर डब्ल्यू आर सी, ये निकल भी नहीं रही है अच्छे से, है ना, तो यहाँ पे ये इग्नोर करना क्योंकि ये ट्रैप है। इसने क्या किया, ट्रैप किया, मतलब है ही नहीं ना कुछ, सेटअप ही नहीं है बाय। बट नीचे देखो, जब भी कभी भी आपको कैसे सिंपल चीज़ याद रखनी है ट्रेडिंग में, अगर आपको ऐसे छोटी छोटी मार्जिन का कोई गेम है ना उसको छोड़ देना है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको एक डोमिनेंस दिखिए, देखो किसने ब्रेक डाउन किया ना, आपको जूम करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी देखने की रेंज में आप ये रेंज यहाँ बनाओ कि यहाँ बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, ये कैंडल ने तो पूरा तोड़ा है ना एकदम। जी जी जी, तो वो सेटअप्स में पावर होती है जो एकदम ऐसे, जैसे ये ऊपर ग्रीन जा रही है, ये आपको ऐसी जगह की वही बंद हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो आपके लिए इग्नोर नहीं करना, वो इग्नोर कर सकते हो जब भी मार्केट जाएगा। क्यों करना है भाई, क्यों करना है भाई, है ही नहीं भाई, तो क्यों करना है भाई, टारगेट यहाँ पे है ना, ये सपोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, मार्केट उठा यहाँ से 700 वो आपका 700 से 707 फर्स्ट टारगेट है, उसके आसपास आ गया वो, बस अब टारगेट जितना है उतना दे दिया, 710 से 706 पे आ गया, 4 पॉइंट दे दिए, उसके बाद कॉस्ट पे डाल दो, क्योंकि बस वोलेटिलिटी मारी है, ऊपर नीचे टाइम पास कर रहा है वो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या फिर टारगेट ऑन के बाद जिन्होंने एसएल रेंज के अंदर डाला, एक और जानना चाहूंगा सर, जल्दी से बस आपका क्योंकि काफी लंबा हो गया। हाँ बोलिए जी सर। सर एक टाटा एक्टिव में मैंने 10 मई का सर बनाया था सर, 10 मई, अच्छा काफी पीछे चले गए। जी जी हां सर, मैंने बनाया था पिछले सेशन में सर, डिस्कस हुआ था। ठीक है, हां बिल्कुल बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, डब्ल्यू आर सी ब्रेक डाउन अच्छे से और फिर कंटिन्यूस। तो इसमें सर इसमें जैसे कि हमारा पीडीएल के नीचे सर, जैसे कि हमारा फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल बनी थी सर जो, तो ये जोन बनाया था सर मैंने, नहीं नहीं जोन के आप नीचे गया था, ये है ना, ये चार कैंडल दिख रही है ना, ये कोई जोन नहीं है, ये तो सिर्फ डब्ल्यू आर सी तो अंदर डाल दिया हमारे बेस बिल्डिंग, तो ये इन्होंने किया है ना चार कैंडल, ये वाले 1 2 3 4 5 पांच कैंडल है बस, 1 2 3 4 5 उसके बाद ब्रेक डाउन खत्म। ये वाली कैंडल नहीं है, ये नहीं है, ये तो बेस बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। बेस बिल्डिंग मतलब सिंपल है, एक रेंज में मार्केट, जैसे ये देखो, ये आपको रिवर्सल का बोल रहे हो ना, ये देखो ये पीडीएल के पास बेस बिल्डिंग, उसको ब्रेकआउट किया, ये आपका टारगेट पहले सर बेस बनेगा फिर वो डब्ल्यूआरसी से क्रॉस होना, बिल्कुल बिल्कुल, बेस तो इंपॉर्टेंट है, वो पहले बनेगा और ये इंपॉर्टेंट, या पीडीएल के पास बेस बनेगा या पीडीएल के नीचे बनेगा या फिर आपका पीडीएच के ऊपर या पीडीएच के पास बनेगा, राइट। बस ये चार ही जोन्स मैटर करते हैं हमें, बाकी के जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर इसमें ये होता सर, जैसे अब स्टॉक कैसे फाइंड आउट, मतलब देख सकता हूं मैं सर, मतलब थोड़ा आपकी फिक्स स्टॉक लिस्ट है ना, मैनुअली आप स्कैन सेक्टर देखो, सेक्टर जो भी पीडीएच पीडीएल के पास घूम रहा है उसका कोई ना कोई स्टॉक घूम ही रहा है, फिर सबसे बेस्ट चीज़ होती है सेक्टर देखो, 6-5 मेजर सेक्टर है, सेक्टर के चार्ट देखो, जैसे कि आज आपका क्या बैंकिंग सेक्टर में इतने सारे सेटअप मिले, तो बैंकिंग सेक्टर ही पीडीएच के पास घूम रहा था, बेस बिल्ड कर रहा था, राइट। उसके बाद आपका ऑटो सेक्टर आपने देखा है क्या कर रहा था, ऑटो सेक्टर मारुति में सेटअप दिया, ऑटो सेक्टर पीडीएल के पास बेस बिल्ड कर रहा था, तो आपको कोई ना कोई उसका स्टॉक घूम ही रहा है। सेक्टर देखो, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है,
राइट ओके सेक्टर देखो कोई ना कोई सेक्टर घूम रहा है मतलब उसका कोई ना कोई स्टॉक तो गारंटीड घूम रहा है क्योंकि तभी तो वो है ना उधर राइट ठीक है चलिए थैंक यू ओके सर थैंक यू यस विपुल गारवान जी यू कैन आस्क योर क्वेरी हेलो सर हाँ पूछिए पूछिए सर मेरा एक ऑप्शन बाइंग को लेकर क्वेश्चन है सर जैसे हम ऑप्शन बाय करते हैं वो सपोज एसएल के पास एट होने आता है उसको एग्जिट करते हैं तो सर वो होता है क्या मार्जिन का मैं आपको इतना फंड चाहिए भैया आप एग्जिट कर पाओगे नहीं आप मतलब क्या बाइंग में बात कर रहे हो ये सर बाइंग में मार्जिन का आपको क्या दिक्कत हो रहा है कोई नहीं आपको कभी भी मार्जिन का इशू नहीं आएगा आप शायद ऑर्डर चेंज कर रहे होगे आप इंट्राडे में एग्जिट में गए आप नहीं आपने इंट्राडे में ऑर्डर डाला होगा आप एग्जिट मार्जिन में कर रहे होगे या आपने मार्जिन में बाई किया होगा आप एग्जिट इंट्राडे में कर रहे होंगे पॉसिबल ही नहीं आपकी क्वांटिटी शायद क्योंकि बाइंग में कैसा है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो पैसा रहेगा तभी आपको ऑप्शन बाय करने देगा राइट उसमें कोई आपको अलग से कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक करके रखेगा जितना पैसा है उतना वो देखेगा है कि नहीं और वही करेगा हाँ तो आपको लॉस हो सकता है हाँ आपने शायद वो कौन से ब्रोकर कौन सा यूज़ करते हो एंजल में तो कोई दिक्कत ऐसी आनी नहीं चाहिए वो तो उसका भी उसके इंटरफेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है शायद आप देख लीजिए गलती से आप में या कैसा है कि वो मार्जिन या इंट्राडे में कुछ क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया होगा अगर वो नहीं होगा तो उनके इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम आया होगा मतलब वो उनके कभी कभी वो ऑर्डर्स ये ऐसे कुछ भी एरर मैसेज फेंकता है जब उनके ऑर्डर्स या एग्जीक्यूट नहीं हो रहे मतलब या सर्वर में प्रॉब्लम है तो वो ऐसे कुछ भी फालतू के मेरे ऐसे एरर मैसेज फेंकते रहते हैं राइट तो उनका अगर टर्मिनल डाउन रहेगा मतलब एक सर्वर डाउन होगा जो जहाँ से वो NEC को ऑर्डर भेजते हैं अगर वो नहीं जा रहा है तो आपको वही रिटर्न मैसेज फेंक रहा होगा कि वो मतलब वो नया एज इन न्यू ऑर्डर ले रहा होगा ये ऑर्डर जो आपका बाय वाला जो है उसको वो सेपरेट कंसिडर कर रहा होगा राइट अगर आपको ऐसा है कभी भी तो कभी भी आपको बहुत बार इंट्राडे में शायद वो आपको अगर करना है कभी भी बाय तो मार्जिन नॉर्मल में कीजिए नॉर्मल मोड में तब वो दिक्कत नहीं देगा मतलब इंट्राडे में मत कीजिएगा बाइंग कभी भी करना है ऑप्शन बाइंग नॉर्मल मोड मतलब जो आपका एंजल में क्या कौन सा मोड रहता है वो मार्जिन होता है या क्या बोलते हैं उसे इंट्राडे और दूसरा कौन सा एंजल में कौन सा है वो मोड पे कीजिए वो आपको फिर इशू नहीं आएगा और जीरोदा में उल्टा करना है अगर जीरोदा में आपको इंट्राडे करना है तो NRML मत करना क्योंकि जीरोदा में NRML करोगे तो वो बोलेगा कि OI लिमिट का आपको एरर मैसेज फेंकता है वो तो जीरोदा में उल्टा करना पड़ता है जीरोदा में आपको इंट्राडे ही एग्जीक्यूट करने हैं इंट्राडे में अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो बट बाकी ब्रोकर्स में जनरली आप NRML करोगे तो उनका जो मार्जिन का जो कैलकुलेशन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है इंट्राडे में बहुत बार वो मार्जिन कैलकुलेशन कुछ कुछ ब्रोकर्स गड़बड़ कर देते हैं हमेशा नहीं होता बट वो ब्रोकर स्पेसिफिक हाँ सर इसमें खाली प्रोडक्ट टाइप में दो ही ऑप्शन है इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड हाँ तो कैरी फॉरवर्ड में आप ऑप्शन बाइंग आप एग्जीक्यूट करके देखो तो शायद फिर आपको ये इशू नहीं आएगा और उसको नहीं आप अच्छा शायद आप आपका SL ऑर्डर भी पहले से सिस्टम में था क्या क्योंकि अगर आपका SL पहले से सिस्टम में पड़ा था या फिर आपका एक ऑर्डर ऑलरेडी सिस्टम में कोई पड़ा होगा गलती से और आप दूसरा ऑर्डर हो फिर आपको ये मार्जिन का इशू आएगा नहीं तो फिर नहीं आएगा क्योंकि कैसा है कि जो बाय किया है जो सेल करोगे तो वो क्वांटिटी मैच हो रही है तो वो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट फेंकेगा ही नहीं क्योंकि आप बाइंग पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना एक बार वापस आएगा तो उनको कॉल कर लेना कि ये मैसेज है वो समझा देंगे अच्छे से क्योंकि वो कैसा है कि आपका जब तक वो अकाउंट उस टाइम पे उनका टर्मिनल पे क्या है तब वो प्रॉपरली मैं भी क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगा बट है ना पर कैरी फॉरवर्ड आप कर लीजिए बाइंग अगर करना है तो आई डोंट ये इशू नहीं आएगा फिर आपको बट आपको खुद मैनुअली करना पड़ेगा है ना नहीं तो वो अगले दिन चले जाएंगे मैनुअली आप कर दीजिए और उसके बाद जाके एक बार और ये गलती मत करना कि कैरी फॉरवर्ड में आपने बाई किया और इंट्राडे में आप सेल कर रहे हो नहीं तो वो उल्टा हो जाएगा है ना वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगा है ना ये कुछ लोग करते हैं इस तरीके से गलती हो जाती है कि हम कभी कभी मोबाइल से करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में हमारा बाय रहेगा बट
हम जब एग्जिट करते शायद मार्जिन पड़ा रहेगा, तो इंट्राडे में सेल करते तो आपका वो जो इंट्राडे वाला जो सेल है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा 3:15 बजे और वो कैरी फॉरवर्ड वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। तो वो देखना, कभी भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते जो प्रोडक्ट टाइप है, जो ऑर्डर टाइप है वो सेम होनी चाहिए, है ना, दोनों इसमें। और उसके बाद कभी भी एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आपके पोजीशन लॉग में जाके देखना है कि वो M2M मतलब पोजीशन क्वांटिटी जीरो बता रहा है आपको, है ना, ये हुआ नहीं है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो भी एक, और ये अगर ओपन पोजीशन से अगर मैं यहाँ पे कहीं भी जा रहा हूँ तो जो भी एक क्लोज पोजीशन है वो ज़ीरो बता देता है, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट लॉक बुक किया या फिर क्या है वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो हो गया मतलब आपका वो स्क्वायर ऑफ हो गया, मतलब ये पोजीशन का आप कोई भी आपके पास ओपन क्वांटिटी नहीं है, ये कन्फर्म हो जाता है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि अगर आपका ब्रोकर और NEC में जो सर्वर का कनेक्शन है वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो बहुत बार आपका ऑर्डर जाता नहीं है वहाँ पे, बीच में ही वो रुक के कैंसिल हो जाता है, ऑटो कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद पोजीशन लॉग में एक बार रिकन्फर्म आपको करना चाहिए, है ना, कि पोजीशन में जो भी मेरी ओपन पोजीशन है वो क्लोज हो गई है, है ना, बस दैट्स इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस सुदीप जी, हाँ जी, हाँ बोलिए ना। ग्लोबल मार्केट कहाँ पे बंद हो गया? अगेन यही चीज है कि ये प्रेडिक्शन वाला गेम खेलना नहीं है, अभी वो जो चलेंगे वो चलेंगे। नहीं, 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 प्रेडिक्शन वाला नहीं, ग्लोबल मार्केट कहाँ, ग्लोबल मार्केट्स कहाँ देखने हैं? ट्रेडिंग व्यू में बना सकते हो, ये तो वॉचलिस्ट बनाई मैंने SPX की, ये देखो SPX चल रहा है अभी, ये ट्रेडिंग व्यू में आप बना सकते हो वॉचलिस्ट, क्यों नहीं बना सकते, आराम से आपको जितना बनाना है बना सकते हो। आई थिंक फ्री वर्जन में 35 या 50 का लिमिट देता है वो वॉचलिस्ट आपको बनाने के लिए, तो वो आप बना सकते हो आराम से, दो वॉचलिस्ट बना लो आप, राइट। तो वहाँ पे आप एक तरीके से, यहाँ पे सारे आपको ग्लोबल मार्केट डैक्स चाहिए वो मिल जाएंगे, ऑल में करना है आपको सिर्फ, अगर आप स्टॉक फ्यूचर में होंगे तो नहीं दिखेंगे, ऑल में आप एक सिंबल में कीजिए, ये डैक्स आ गया, डैक्स इंडेक्स सब मिल जाएगा आपको, डैक्स फ्यूचर भी आ गया। देखो मेन इंडेक्स अगर आपको फॉलो करना है तो यूरोप में सिर्फ डैक्स फॉलो करो, बाकी का हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, जो जर्मनी का इंडेक्स है। सेकेंड होता है अपना US का इंडेक्स, US का S&P होता है, अपना डाउ वगैरह मैटर नहीं करता, डैक्स होता है जर्मनी का, है ना, फिर अपना S&P 500 जो US का होता है, डाउ वगैरह हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो इंडिया में सॉरी आपको यहाँ पे जो फॉलो करने हैं अगर एशियन मार्केट, तो आजकल तो चाइना भी हमारे ये इस पर नहीं चलता, यहाँ पर आपको फॉलो करना है तो आप ये कोरिया वाला कॉस्पी फॉलो कर सकते हैं बस, में बाकी हमारे ये चाइना वाइना मार्केट भी आजकल अलग ही चलते हैं, वो फॉलो नहीं करते एशियन मार्केट्स को, राइट। तो ये तीन मार्केट्स हैं, बहुत है। अल्टीमेटली हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट कोरिलेशन जनरली किसी मार्केट से अगर मिलता है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो अभी वो थोड़ा सा कम हो गया, बट हिस्टोरिकली डैक्स और हमारा जो मार्केट है जर्मनी और हमारा काफ़ी कोरिलेशन काफ़ी स्ट्रांग रहा है उनमें, बट अभी वो कम, अभी 2014 के बाद हमारे मार्केट्स सभी मार्केट से थोड़े अलग हो गए, क्योंकि डेफिनेटली पॉलिटिकल इतना बड़ा मेजोरिटी की पार्टी है तो अलग, काफ़ी रैली भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट ये तीन इंडाइसेस से कोरिलेशन आपको ज़्यादा दिखेगा, कॉस्पी कोरियन वाला जो रहेगा, अपना डैक्स रहेगा और S&P 500, बस बाकी के जो रहेंगे वो SGX तो निफ्टी है ना, वो तो देखते ही है, वो सिंगापुर मतलब निफ्टी का ही है, वो तो देख ही सकते हो, वो निफ्टी का ही है। आपने ग्लोबल, आपने ये बोला ना SGX तो है ही बाय डिफॉल्ट, SGX तो मतलब वो क्योंकि निफ्टी पे ही बेस्ड है ना, वो बस सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है तो वो निफ्टी का ही, बस सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है वो, तो SGX आप फॉलो कर ही सकते हो, मतलब अदर देन इंडियन मार्केट्स, मैंने ये तीन मार्केट्स बोले, SGX तो बाय डिफॉल्ट आते ही आता है, जो आपको इन्वेस्टिंग में दिखता है ये SGX ही अभी दिख रहा है, मतलब SGX इंडिया का मार्केट है लेकिन ट्रेड सिंगापुर, हाँ उसका बस वही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं कर सकते और टैक्सेशन जो रूल्स है, तो SGX जो FIIs है वो ट्रेड करते हैं बिकॉज टैक्सेशन पॉलिसीज वहाँ पे काफ़ी अच्छी है
और वो मार्केट 12 बजे तक ओपन, मतलब 9 बजे तक रात तक खुला रहता है इंडियन टाइम पर, तो अभी भी देखो ओपन है वो, तो ओपन है, ट्रेड हो रहा है। हमारा हमारा मार्केट बंद है। तो जो इन्वेस्टिंग में दिखता है आपको वो आपको SGX दिखेगा, ठीक है। ओके सर, मार्केट का जो अभी ओपन नहीं है उसका जो रेट आप गैप अप होगा या गैप डाउन, उसका रेट जो होता है कैसे ठीक होता है? नहीं, गैप अप गैप डाउन वाला रेट है वो आपको अगर अप्रोक्सीमेट चाहिए तो SGX वो SGX से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। बट बहुत बार कैसा है कि वो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे वैसा नहीं होता है मार्केट का। गैप अप गैप डाउन अगर एक जनरली अगर आप देखोगे तो आइडियली कहा गया, हाँ आइडियली हम कोई भी मार्केट रहेगा, जैसे हमारा मार्केट अगर रहेगा कंटिन्यू अनलेस इवेंट नहीं रहेगा, मैक्स टू मैक्स जो गैप अप होता है 0.5 से 1% से ज़्यादा गैप अप रेयरली होता है, राइट? कोई इवेंट आएगा तभी 1% से ज़्यादा गैप अप होता है, बिना इवेंट के 1% से गैप अप गैप डाउन होना बहुत मुश्किल। जैसे बीच में अभी यूक्रेन और वो वॉर चल रहा था तो पूरा एक महीना वो इवेंट था इसलिए गैप अप गैप डाउन हो रहा था। बाद में फेड की मीटिंग आई थी उसके बाद एक दो दिन गैप अप गैप डाउन हुआ 1% से ज़्यादा, तो वो इवेंट के आसपास कोई बड़ा इवेंट होता है तभी वो गैप अप गैप डाउन 1-1.5% से ज़्यादा होता है, नहीं तो आप जनरली देखोगे कि 0.5 से 1% के रेंज में रहता है। जैसे आज का भी गैप अप है 0.7%, ये मार्केट में बड़ा नहीं, बट ये अगर इस टाइप का गैप अप अगर देखोगे, ये भी शायद कितना है, ये भी 1% के अराउंड है, 30 मई को हुआ था ये। तो ये जनरली गैप अप गैप डाउन आपके जो होते हैं कि वीकेंड, जैसे फ्राइडे से मंडे आप जाते हो तब होता है, क्योंकि कैसे फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद पूरा ग्लोबल मार्केट घूमता है और 12 घंटे तक रात के 2-3 बजे तक US मार्केट ओपन होता है, हमारा मार्केट 3 बजे ख़त्म होता है। अगर और वो कुछ बुलिशनेस आ गई उनमें या हो गया तो मंडे को फिर वो कैचअप करने के लिए हमारे मार्केट्स थोड़ा ज़्यादा गैप अप होता है। जनरली ये गैप जो दिखेंगे विदाउट इवेंट 1% से ज़्यादा वो मैक्स टू मैक्स आपको मंडे को ही दिखने वाले, और जो इवेंट वाले गैप अप्स रहते हैं तो वो आपको जब भी कोई फेड का इवेंट होता है क्या होता है वो तो कभी भी जो इवेंट है उसके आसपास ही वो गैप्स तो दिखेंगे। नहीं उसका नहीं, देखो ये रेंज मार्केट कैसा है कि मार्केट या तो रेंज में होता है ट्रेंडिंग होता है। आप कभी भी आप समझ लो ये मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, अब जैसे ये उसका एक लेवल दिख रहा है आपको, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो लेवल है ये लेवल उसका 1-3 बार बंद हो गया। अब उसके बाद आप पीछे चार्ट देखोगे, ये देखो चार, इसके बाद यहाँ पे यहाँ तक देखो मार्केट में कोई स्पेस है ना, बहुत बड़ा स्पेस है उसके पास। तो अगर अब ये फ्राइडे को बंद हुआ, ये 27 मई के बाद 30 मई, मतलब फ्राइडे था 30 मई, मतलब अपना मंडे आ गया था, 30 मई अपना मंडे आ गया था, ये मंडे जो था। तो अब यहाँ पे उसने बंद किया, अब कैसा है कि उसको ट्रैप करना है, तो यहाँ के जो लोग सेल करके गए हैं वो सीधा गैप अप करके वहाँ पे उनको ट्रैप करेगा या तो गैप डाउन करेगा, राइट? तो अब गैप अप भी करा तो उसके पास पूरा स्पेस है ना, वो दिख रहा है, वो मार्केट के पीछे के लेवल देखोगे आपको बहुत बड़ा ज़्यादा अगर स्पेस दिख रहा है स्ट्रक्चर पॉइंट्स के बीच में, मतलब वो जंप कर सकता है, राइट? तो यहाँ से उसने जंप कर दिया, तो उस स्पेस के हिसाब से ही होता है, कभी भी बहुत बड़ा स्पेस होता है मार्केट में तब वो जंप करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप हुआ, ये मूव फेल हो गया, तो उसके पास पूरा यहाँ तक स्पेस है ना, कुछ है ही नहीं बीच में, तो वो जंप भी उसने नीचे मतलब अच्छे से सेल ऑफ आया, राइट? अब यहाँ पे ये देखोगे ये वाला, अब ये जो उसने गैप अप हुआ यहाँ पे भी अच्छा खासा गैप अप हुआ, बट ये बंद का हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिमांड। तो मार्केट में एक सिंपल चीज़ है, जिसने भी प्रेडिक्शन किया कि मार्केट टूटेगा गैप डाउन जाएगा वहाँ पे ये जाएगा, तो वो यहाँ पे उसने फंसा दिया उसको। तो यहाँ पे ये कभी भी गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट में वो तभी मैक्सिमम टाइम होता है जब मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया या डिमांड जोन में बंद होता है, और वो खुलता है आफ्टर सडनली ग्लोबल मार्केट टर्न हो जाते हैं। वैसे जैसे मार्केट अभी बियरिश बंद हुआ बट ओवरनाइट में सडनली ग्लोबल मार्केट 1.5% बुलिश तब हो गए थे, US मार्केट भी इस टाइम पे 19 से 20 तारीख तक, तो वो कवर करने के लिए हमारा मार्केट फिर सडनली नेक्स्ट डे गैप अप होता है। इसलिए कभी भी प्रेडिक्शन, जब भी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन और बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन में बंद हो रहा है तो वहाँ पे तो सट्टा मतलब नहीं खेलना है, क्योंकि आप बहुत इजीली ट्रैप हो सकते हो, या वहाँ पे कोई ऑप्शन बाइंग नई पोजीशन में नहीं जाना है, है ना। ऐसे टाइम ही मार्केट ट्रैप करता है गैप अप गैप डाउन हो गया, या तो इवेंट तो वो तो सबको ही पता रहेगा, एकदम ऐसा इवेंट आ गया जो पता ही नहीं किसी को, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। और सर
चलो सुदीप जी, आपको बाद में, अभी महापति लास्ट एक डाउट ले लेते, फिर हमको खत्म ही करना। तो लास्ट डाउट हम लेते हैं माथापति जी का। यस माथापति जी। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोले बोले। हाँ सर, आज के जो बैंक निफ्टी का चार्ट है सर, प्लस 15 मिनट का कैंडल। हाँ बोलिए। अभी फिलहाल सर मैं आपके स्ट्रक्चर बेस पर ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर अगले कैंडल ने ब्रेक किया था सर, और ब्रेक करने के बाद वो सस्टेन भी हुआ था। और जब मैं उसके बाद लो क्रॉस करने के बाद ट्रेड मैं डेविड स्प्रेड किया था उसमें, और जो मैंने पीडीएच के ऊपर में पोजीशन पिकअप किया था। अभी अभी इस दिन के वर्कशॉप में मुझे ये ध्यान में आया कि सर जब तक वो नीचे उसके बाइंग पोजीशन जहाँ से बढ़े उस तक वो पोजीशन मुझे रखना था, लेकिन मैं वो पीडीएच के मुझे लगा कि यहाँ पे फर्स्ट जोन आया, फर्स्ट टारगेट आया, इसलिए मैं उधर से पोजीशन किया। वो सही बात है, अगर आपने एग्जिट किया तो बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम अगर रिवर्सल मारना है तो वहीं से मारता हूँ, पीडीएच से रिवर्सल आता था। अगर आप होल्ड करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्केट लेके चले जाएगा। और फिर से मैं क्या करूं, फिर से फिर री एंट्री करो ना उसको, बिग बिग सेकंड एनालिसिस। यस तो सेकंड एनालिसिस में क्या किया सर, जब 35,750 के ऊपर मैं जो स्क्वायर अप किया था उधर, वो आरबीवी और वो आरबीवी जो 4-5 कैंडल होते हैं उधर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था। फिर से जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ पीडीएच के नीचे, तब मैं फिर से भी पोजीशन किया था, लेकिन वो तब मैं सर क्रेडिट स्क्वायर किया था। मुझे ये डाउट था कि मार्केट सिंपल चीज है, अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट एक्चुअली साइडवेज है ना, कोई ट्रेंड नहीं है। ये देखो ये जोन में घूम रहा है, राइट। आपको डेबिट या क्रेडिट बनाना है, उसका सिंपल रूल अगर मैं बताऊँ तो कैसे, अगर समझ लीजिए मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है ना, तो आप डेबिट बनाओ, क्योंकि प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है मतलब उसमें मोमेंटम है ना। प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के बीच में है, तो क्रेडिट बेटर रहेगा, क्योंकि वो साइडवेज जा सकता है ना, टाइम पास करेगा वो, तो वो डेबिट में आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर प्रीवियस वीक हाई के ऊपर या प्रीवियस वीक लो के नीचे है तो आप बढ़िया आराम से डेबिट बना सकते, क्योंकि वो जनरली उस वीक वो ट्रेंडिंग फेज में जा रहा है, राइट। और प्रीवियस वीक हाई और लो के बीच में है और आपको ज़्यादा मिलता है तो क्रेडिट बनाओ। तो आज का जो मार्केट है स्पेस पर डिपेंड रहेगा, बट जनरली मैं डेबिट बोल, मतलब जनरली डेबिट आपको बेस्ट रिजल्ट अभी देता है जब मार्केट या तो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है या प्रीवियस वीक लो के नीचे है, उनके बीच में जो रहता है मार्केट, बहुत बार वो क्या स्टॉल हो जाता है, मतलब ऐसे साइडवेज चले जाता है। वो स्टॉल हो गया तो डेबिट में आपको प्रॉफिट नहीं देगा फिर, राइट। वो आपको फिर डीके, क्योंकि डीके आएगा दोनों साइड, और वो बाइंग का ऑप्शन ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू सेलिंग, है ना, डेबिट में, तो वो थोड़ा ज़्यादा डीके कर देगा कंपैरेटिवली कभी कभी, वो आपको फिर वो फ्रस्ट्रेट करेगा, है ना। जैसे कि आज का मार्केट अगर देखेंगे तो आज 3 जून अपना 2 जून 31 में और 30 में, तो अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखो जब आपका था तो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर था, राइट, और उसके बाद है, तो आप डेबिट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्योंकि वो आपको रिवॉर्ड जल्दी देगा, तो वो ऐसे टाइम में आपको डेबिट, क्योंकि ट्रैप होगा तो वो सीधा प्रीवियस वीक हाई तक पुश कर देगा मार्केट। तो ऑप्शन का जो वैल्यू है, जो क्योंकि प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जब मार्केट था, पुट्स की वैल्यू जो कम, काफ़ी जल्दी मार्केट कम कर देता है, वो उतने ही जल्दी उसको एकदम एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा उसको, है ना। तो तब डेबिट आपको एडवांटेज करेगा। ओके सर। और सेकंड, हाँ लास्ट डाउट था सर, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है फिर भी पूछता हूँ सर। मैं जब भी आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रीचार्ट एनालिसिस के बारे में आप लिखते हैं सर, वेदर बाय पोजीशन या उसमें जो वर्डिंग रहता है सर, वो क्रिटिकल जोन, वो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन वो क्रिटिकल जोन बार बार आता है। क्रिटिकल जोन एक्चुअली कैसे है कि ये क्रिटिकल जोन कैसे है, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग जो है, ये एक्चुअली जो कंप्लीट प्रोजेक्शन का हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, उसमें 5 मिनट्स में जिनको मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करना है वो फिर क्रिटिकल जोन के थ्रू मतलब हम सिखाते थे। क्योंकि कैसे है कि सिर्फ स्ट्रक्चर बेसिस पे मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, रिस्क भी बढ़ जाता है, तो क्रिटिकल जोन एक उस तरीके का है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का वो एक इंपॉर्टेंट एरिया जोन बन जाता है, उसके बेसिस पे फिर वो है।
वो एक्चुअली वो कंप्लीट प्राइजेक्शन में ही कवर होता है वो कंसेप्ट, ठीक है? ओके सर, उसके लिए, क्योंकि उसके लिए मेन चीज़ है कि हमें पूरा वो उस कंसेप्ट अराइव होने के पहले प्राइजेक्शन पूरा प्रॉपरली एक लेवल तक आपको समझना पड़ता है, क्योंकि ये कैसे थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है वो, राइट? आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे बट वो जोन्स ऐसे रहते हैं कि वहाँ से मूवमेंट काफ़ी फास्ट आता है, तो वो एक्चुअली मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको उसके पहले का जो प्रोजेक्शन का आपके जो कंसेप्चुअल बेस है वो स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी वहाँ पे ट्रेड डालने पड़ते हैं, बहुत जल्दी व्यूज चेंज करने पड़ते हैं। बट येस, मूवमेंट भी आएगा तो रिवॉर्ड भी आएगा। जैसे अगर रिलायंस का अगर हम देखेंगे जो डाला था 3 जून का, दोनों का हम देख लेंगे, तो रिलायंस का भी हम देखेंगे, तो ये देखो जैसे ही जोन ब्रेक होता है ना मोमेंट काफ़ी फास्ट आता है। उसने जैसे ही आज का ब्रेक किया, ये 5 मिनट्स में होता है सिर्फ, 15 मिनट में उसके लेट होता है, ये ब्रेक किया उसने तो मोमेंट एकदम फास्ट देता है। तो मोमेंट वो एक्चुअली मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए वो फेज होता है, और उसके लिए फिर वो जोन, क्रिटिकल जोन का कंसेप्ट यूज़ होता है बस। और वो लिमिटेड 2 ही स्टॉक में हम लोग देखते हैं, उसके लिए आपको 10 स्टॉक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2-3 स्टॉक ही होते हैं। क्योंकि मेन चीज़ कैसे है कि तभी आपका वो फोकस रहेगा और तभी आप हाई मोमेंटम बेस्ड जो ये फर्स्ट 1 आवर का सेटअप्स है, मतलब ये पहले 1-1.5 घंटे में आपको ट्रेड करना है, या फिर वो आएगा आपको मतलब सेकेंड हाफ में। जैसे REBB इज़ मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव साइड, आप पहले 1-2 घंटे की वोलेटिलिटी सारे मार्केट को मारने देते हो, उसको जो करना है करने देते हो, फिर आप उसके बाद ट्रेड करो। वो सर YouTube पर आपका वीडियो था मोमेंटम स्ट्रेटजी का, वीकली के ऊपर, और नहीं वो अलग है, 5 मिनट के क्लोज होने के बाद वो अलग है, वो अलग है। अभी अल्टीमेटली 8-10 साल हो गए मैंने कम से कम इतने सिस्टम्स बनाए कि जो कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं मुझे भी याद नहीं रहते, बट अल्टीमेटली कैसे है कि जो कोर सिस्टम्स है वो हमेशा से ये 4-5 ही रहे। कोर सिस्टम्स हमारे कौन से? सबसे पहले जो होता है वो REBB है, सेकेंड होता है अपना एग्जॉशन है, थर्ड होता है क्रिटिकल जोन वाला जो सेटअप है, ये कभी भी चेंज नहीं हुए, ये पहले से जो आ रहे हैं वो वैसे ही आ रहे हैं। और जो चौथा स्टेप होता है वो आपका जो गेम चेंजर में सेटअप नंबर 2 है, स्टॉप लॉस हंटिंग और जो ट्रैप वाला फेक ब्रेकआउट वाला, ये 4 जो सेटअप है यही कोर सेटअप्स है। बाकी अब यूट्यूब पे ले कभी कभी कोई सेटअप ऐसी वहाँ पे है वो डाला ऐसे नॉलेज शेयरिंग के लिए मैं कर देता हूँ, बट ये जो 4 कोर सेटअप है एक्चुअली यही 99.9% यही ट्रेड होता है। बाकी के जो सेटअप्स है वो फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता और आप कर भी नहीं पाओ, कितना करोगे? एक लिमिट होती है ना किसी की भी, आप कितना, इससे ज़्यादा ट्रैक भी नहीं कर पाओगे, चांस ही मुश्किल हो जाता है, राइट? तो अभी मेरा मतलब वो होता है कि बहुत बार अभी ऐसा हो जाता है कि इंट्राडे पे मेरा फोकस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अभी ये पोजिशनली इतने ज़्यादा ओपन रहते हैं पोजीशन, उनको मैनेज करना क्या करना अलग अलग अकाउंट्स में, तो उनमें ही ज़्यादा फोकस होता है, तो इंट्राडे जब बहुत अच्छा रहता है वो है। बट यस, जब इनिशियल डेज ऑफ माई ट्रेडिंग करियर थे तब मैक्सिमम ट्रेड्स इंट्राडे पे ही जाते थे, क्योंकि तब कैपिटल बिल्डिंग फेज में आप जब रहते हो इंट्राडे इज़ द बेस्ट थिंग। बस उसको कैसे करना है कि वो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, अगर आपको, क्योंकि सबको मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं जमती है, वो भी चीज़ याद रखनी। यहाँ पे जैसे मैं हूँ, गौरव है, तो गौरव ज़्यादा मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करता है, मेरे को थोड़ा REBB सेटअप हो गया, फेक मार्केट रेंज एक्सपेंशन, ये मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप चुनना है। अगर मैंने 4 ट्रेडिंग सेटअप जो है, मैं चारों के चारों बहुत ट्रेड नहीं करता, मेरे 2 फेवरेट है, एक तो REBB फेवरेट है और दूसरा जो फेवरेट है मेरा जो है वो एग्जॉशन वाला फेवरेट है, ये 2 मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। बाकी के जो 2 सेटअप्स है वो कभी हो रहा है कभी करना है तो करो, नहीं तो नहीं, वैसे है, ठीक है? जब से हम इस सेशन में ज्वाइन हो रहा सब पिछले 2 महीने से, जो तुम्हारे 1% मार्केट स्पेस कितना है वो, और REBB सेटअप, और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जो दिन से हम देख रहे हैं उससे हमारा नजरिया बदल रहा है, सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, बिकॉज एक्चुअली वो तरीका है और मार्केट को वैसे ही देखना चाहिए। हम लोग जो देखते हैं हम अपने हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ना, ट्रेंड लाइन हो गया या बाकी की चीज़ हो गई, वो काम नहीं करती है अगर हम लॉन्गर टर्म में देखे उसे तो उस तरीके से। बट हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेंड लाइन को देख रहे हो या स्ट्रक्चर के साथ आप मूविंग एवरेज या कुछ देख रहे हो, फिर आपको मार्केट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता कि ट्रेंड लाइन बुरा है क्या, बट एक एग्जांपल है कि जैसे आज का अगर ये ट्रेंड लाइन है ना,
ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई बट ये बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, राइट, वो मतलब फेल हो गए, यहाँ पे आप ट्रैप हो गए। बट जैसे ये ट्रेंड लाइन है, अब जब ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है जो उसका है, तो उसके हिसाब से आपको मूव भी मिला। तो हमेशा कैसा है कि आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो चीज़ों को सिंक में देखने का ट्राई करो कि दो या तीन चीज़ें साथ में होनी चाहिए, उससे कैसा होगा आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूस होंगे और आपकी एक्यूरेसी सीधा एकदम शूटअप हो जाएगी। एंड दैट इज़ द होली होली ग्रेल, करना यही है ना मार्केट में। हमारे सक्सेस रेशियो बढ़ गया तो पैसा तो गारंटीड मिलना ही मिलना है, कौन रोकेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, चलो बहुत अच्छा लगा माधवपति जी आपसे बात करके, एंड ग्लैड टू सी कि आपको बेनिफिट भी हुआ है। बस कंटिन्यू रखिए, पोजीशन साइजिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए अभी, अब आप 2 महीने हो गए आपको, आप थोड़ा पोजीशन साइजिंग भी आप बढ़ाइए, है ना, कॉन्फिडेंस अगर आ गया है तो, क्योंकि वो प्रॉफिट में भी दिखना चाहिए फिर, ठीक है। चलिए, ओके सर, यस, चलिए, चलो चलो, वंडरफुल इंटरेक्शन एंड विथ एवरीवन, एंड होप इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सबके डाउट्स लेने के लिए, तो बट एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डाउट्स है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, और काफ़ी डाउट्स सिमिलर ही होते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जो डाउट्स होते हैं कि रेंज कैसे ड्रॉ करना, हाई या लो, या फिर यहाँ पे एक तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, या रेंज एक्सपेंशन कहाँ होता है, तो वो जो मेन डाउट्स है उस पर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों को वो डाउट्स आते रहते हैं, राइट। अल्टीमेटली वही है कि लॉजिकली ट्रेड कीजिए विथ प्रॉपर कन्विक्शन। एंड अभी जो कभी कभी मार्केट लास्ट 2-3 डेज में वेनसडे और थर्सडे को बिल्कुल ट्रेड ज़्यादा नहीं मिला होगा, तो इट्स फाइन, हमें हर दिन पैसा नहीं बनाना है, बट आज का जैसे दिन आता है उसने, आज का अगर आप दिन ट्रेड करोगे तो उसने 2-3 दिन का पैसा आपको एक ही दिन में मार्केट दे देगा, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मार्केट। कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन मार्केट साइडवेज रहेगा ना, तो तब हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि जब भी वो नेक्स्ट मूव होगा वो आपको वो 3 दिन का मूव कवर कर लेगा। और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, ये हर फील्ड में मार्केट का ये सीम है। इन्वेस्टिंग में भी आप देखोगे, आप 2-3 साल आपके कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट पड़े होंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल रिटर्न नहीं मिला होगा, और एक आधा साल वो ऐसा भाग गया है वो कि उसका 4 साल का CAGR 20% के ऊपर चला गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट में, राइट। तो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कि आपने एक सही चीज़ की है, एक लॉजिक से आपने कोई ट्रेड लिया है, और आपका जब तक वो लॉजिक मार्केट आपको बताता नहीं है कि भाई निकलो यहाँ से, एग्जिट करो, तब तक आपको फॉलो करना है। और PNL को देखना छोड़ो, बट स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वो धीरे 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 इमोशनल, आप एक बार सेटअप को आप मास्टर कर लोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं ये जो चीज़ सीखी है मैंने ये एक्चुअली रिजल्ट दे रही है ना, कोई मैंने फ्लूक नहीं सीखा है, या कोई मैंने एक तरीके से कोई किसी फ्रॉड से या इस तरीके से नहीं सीखा, एक जेन्युइन लोगों से सीखा है, एक चीज़ काम कर रही है। और जो भी सेटअप्स है, इसीलिए हम लोग सेटअप पहले ही देते हैं ना, मूव के बाद तो कोई भी डालता है, तो आपको प्रॉपरली रेंज जो भी अपडेट्स रहते हैं वो सेटअप बनने के पहले, ICICI बैंक था हमारा बचपन था, बैंक निफ्टी था, ये जो भी पहले से ही वो क्लियर था कि ये ट्रेड प्लान है, ये देखना है, राइट। तो एक बार ट्रेड अच्छा मिल रहा है वो है, तो उसको छोड़ो मत, है ना, बस वही एक है। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी वी विल ट्राई, जैसे जैसे थोड़ा सा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी एक कोशिश रहेगा कि डाउट सॉल्विंग हम ये ऐसे वीक में 2 करें, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग उसी में है कि हाँ 2 डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम लोग हफ्ते में रखेंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के डाउट्स एड्रेस कर पाए, राइट। बट पर्सनल 1-to-1 अटेंशन जो रहता है वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन, और वहाँ पे ही एक तरीके से भी अरे बट, क्योंकि सबसे एक लिमिटेड वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 15-20 स्टूडेंट्स पर मंथ से ज़्यादा हम लोग लेते नहीं हैं, एंड उतना लिमिटेड स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे रहते तो थोड़ा सा सबसे एक पर्सनल कनेक्ट होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, एंड एक फीडबैक भी उनको विद इन 24 आवर्स मिल जाता है किसी भी चीज़ में, है ना। तो वो एक तरीके से कैसा है कि मुझे भी फिर कॉन्फिडेंस आता है कि ये सामने वाला जो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट कर रहा है कि नहीं, तो वो उस तरीके से, राइट। तो होप यू लर्न समथिंग टुडे, एंड क्या आपको कुछ फ्रूटफुल रहा होगा। सो गौरव, देन वी एंड द सेशन, कुछ ऐड करना तो यू कैन ऐड, और देन आई विल, यस यस यस, बिल्कुल ठीक है, चलो सिस्टमैटिक वे होगी, आपके ऊपर पर्सनल अटेंशन होगा, और एक कंसिस्टेंट वे से इनकम भी आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हमने कवर किया गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में,
तो एक्चुअली इट इज 25% प्राइस एक्शन, एंड वहां पे जो कवर किया है इन कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप 100% प्राइस एक्शन कवर किया है, तो डेफिनेटली वो यस, तो वो डेफिनेटली आपको आपकी सारी चीजें वहां पे ही सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। और बाकी जो लोग बाकी अभी फायर्स का फॉर्म भरने का, तो प्लीज बी फील फास्ट, क्योंकि कल फिर वो आपको मुझे उनको डेटा देना होता है, सो बी फास्ट और अपना फॉर्म फायर्स का भर दीजिए, सो दैट वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अकाउंट ओपन करवा दे। थैंक यू, थैंक यू।